नहीं कर السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. स्वीट कॉर्न कॉर्न नहीं मिल आवाज सही आ रही है जी। आवाज के बारे में बताइएगा, आवाज बेहतर है? आवाज आ रही है तो समझ आ रहा है, शुरू कर देते हैं। सर बहुत क्लियर तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, बाकी रिकॉर्डिंग से कर लेंगे, देख लेंगे। आप क्लास ले लीजिए। आवाज
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اب کچھ آواز بہتر ہوئی؟ احسنت شیخ بارك الله فيك. کافی افضل و بہتر ہے. آپ کی جو اجتماعی دعائیں ہیں وہ رنگ لے آئیں. الحمد للہ على كل حال. بارك الله فيك شیخنا العزيز. ہم شروع کرتے ہیں ابھی. ٹھیک ہے. فليتفضل مشكورا شيخ. حدیث کا نمبر ہے 709 اور باب کا عنوان ہے
ضرب الخباء في المساجد. ضرب الخباء वैसे दर्ब का माना होता है मारना, लेकिन यहां पर माना करेंगे गाड़ना। दर्बुल खिबाए, अल खिबा ये इस्म जामिद है, ठीक है ना। दर्बुल खिबाए खेमा गाड़ना, फिल मसाजिद मस्जिदों में। क्या मसाजिद के अंदर खेमा गाड़ा जा सकता है? खेमा गाड़ना, आपने खेमा देखा होगा, क्या उसको मस्जिद के अंदर गाड़ा जा सकता है? इसकी इजाजत है। हदीस का नंबर है 709। عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل في المكان الذي يريد أن يعتكف فيه। عائشة صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے तो सुबह की नमाज पढ़ते, फिर एतकाफ की जगह दाखिल होते। वो जगह युरीदु अय्या तकिफ़ फीहे, जिसमें एतकाफ करने का इरादा फरमाते। फ़अराद अय्या तकिफ़ अल-अशर अल-अवाखिर मिन रमज़ान। इन अल्फाज से पहले आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उमूमी जो तर्ज अमल था एतकाफ के हवाले से बताया। एतकाफ का इरादा फरमाते तो फजर की नमाज पढ़कर और फिर एतकाफ करने की जगह दाखिल होते। आप ने इरादा किया रमजान के आखिरी अशरे में एतकाफ करें। आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया। وَدُرِبَ لَهُ خِبَاءٌ, आप अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और आपके लिए खेमा गाड़ा गया। खिबा के बारे में तो लफ्ज़ खिबा ये इस्म जामिद है, जैसे रजुलन है इस्म जामिद है, इसी तरह खिबा भी इस्म जामिद है। माइक ऑफ कर दे प्लीज, म्यूट योरसेल्फ। وَأَمَرَتْ حَفْصَةُ وَدُرِبَ لَهَا خِبَاءٌ, हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा देखा तो उन्होंने हुक्म दिया, बस उनके लिए खेमा गाड़ा गया। वलम्मा रअत ज़ैनब खिबाअहा, जब ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनका खेमा देखा, अमरत तो उन्होंने हुक्म दिया, फ़दुरिबा लहा खिबाउन, बस उनके लिए खेमा गाड़ा गया। فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, بس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, قال فرمایا, آل بر کا تم نیکی کا ارادہ رکھتی ہو, آل بر توریدنا, کیا تمہارا ارادہ ہے؟ अल बिर्रा था तो दो हमजा जमा हुए और यहाँ पर तस्हील का कायदा लगा। कवायद सरफ की कवायद में से तस्हील का कायदा है, तो दो हमजे एक जगह जमा हो जाएं तो ये तस्हील कर दी जाती है, आल बिर्रा। मेरे पास माउस भी काम नहीं कर रहा। हाफिज उमर फारूक प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए। बंद कर दें। शाहीन जिया आप भी बंद कर दें। जितने भी साथी हैं जिनके माइक खुले हुए हैं बराए करम अपने माइक बंद कर दें। फलम या ताकिफ, बस आप अली सलातु वसलाम ने एतिकाफ नहीं फरमाया, फी रमदान रमजान में, वातकफ अशरन मिन शव्वाल, बस आप अलैहिस्सलाम ने एतकाफ फरमाया शव्वाल का एक अशरा। इस हदीस में हमारे लिए बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे पहला मसला जो तर्जमतुल बाब से हमें मालूम हो रहा है और वो है कि मस्जिदों के अंदर खेमा गाड़ना। दूसरी हदीस के जाहिर को देखकर लगता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ का जो आगाज़ किया करते थे वो 21वें रोज़े को फजर की नमाज पढ़कर और उसके बाद एतकाफ़ की जगह में दाखिल होते, माना उसके बाद एतकाफ का आगाज़ करते।
तो इतकाफ का आगाज कब से होता है? हदीस का जाहिर बता रहा है कि 21वें रोजे को फजर की नमाज के बाद दाखिल होना। तो जुम्हूर मुहद्दिसीन का जो कौल है वो ये है कि आप अलैहिस्सलाम जो इतकाफ फरमाया करते थे वो रमज़ान के आखिरी अशरे का होता था, और आखिरी अशरे को पाने के लिए ज़रूरी है कि आखिरी अशरे की जो ताक रातें हैं वो बंदे को हासिल हों, और वो उसी सूरत में हासिल हो सकती हैं कि जब जो 21वीं की रात है वो मस्जिद के अंदर गुजारी जाए। और इतकाफ का जो बुनियादी मकसद है वो लैलतुल क़द्र को पाना है, और अगर मुमकिन है कि अगर 21वीं की रात लैलतुल क़द्र हुई और बंदा आगाज ही जो है वो 20वें रोज़े के बाद से कर रहा है, 21वें रोज़े से कर रहा है, तो उसे एक रात रह गई, तो इस तरीके से उसकी जो 10 रातें हैं वो भी मुकम्मल नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए यानी हम ये कहेंगे कि 20वें रोज़े को सूरज गुरूब होने से पहले पहले उसका मस्जिद में दाखिल होना ज़रूरी है, ताकि जब सूरज गुरूब हो तो बंदा मस्जिद के अंदर मौजूद हो। हम ये नहीं कहते असर के नमाज पढ़ ले, ये नहीं ज़रूर नहीं है, यानी सूरज गुरूब होने से पहले पहले। फिर आप अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा रमज़ान के आखिर में एतकाफ का इरादा फरमाया, तो आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया और आपके लिए खेमा गाड़ा गया। मौजूदा दौर में तो सहूलत है कि खेमे की जो है वो आसान शक्लें हैं, यानी वो पर्दे लटका दिए जाते हैं, मगर ना पहले दौर में तो ये सहूलत नहीं थी। तो चटाइयों के या जो भी चीज़ें दस्तियाब थी उसके, या चमड़े के या ऊन के या जो है जो यानी रुई का या कपड़े का या जो भी वहाँ पर दस्तियाब होता तो उसका खेमा गाड़ दिए। आपने तुर्की खेमे देखे होंगे, इंतहाई मोटे कपड़े के बने हुए होते हैं, तकरीबन उसके अंदर रुई होती है और या फिर ये कि ऊन होती है, भेड़ों की जना ऊन से बनाया जाता है, तो इस तरीके से खेमे हुआ करते थे। तो यहाँ से इस्तदलाल होता है कि मस्जिद के अंदर हसब ज़रूरत अगर खेमा गाड़ दिया जाए तो इसका जवाब मिलता है। फिर जब आप अलैहिस्सलात वसलाम ने खेमा गाड़ने का हुक्म दिया, उम्महातुल मोमिनीन ने देखा तो उन्होंने देखा देखी में भी ये हुक्म दिया कि उनके लिए भी खेमा गाड़ा जाए। इससे ये पता चलता है कि उस दौर में औरतों के लिए भी बाकायदा मस्जिद के अंदर खेमा गाड़ा जाता था। हमारे यहाँ अगरचे यानी उनको अच्छी प्राइवेसी दी जाती है अगर ऊपर का फ्लोर हो या नीचे का हो, ताकि ख़वातीन मुकम्मल यानी बापर्दा रहें, बहुत अच्छा माहौल होता है, मगर उस दौर में जब वसाइल इंतहाई महदूद थे, बल्कि ना होने के बराबर थे, तो उस दौर में भी ख़वातीन बाकायदा उनके लिए इतकाफ़ की जगह मसाजिद के अंदर ही हुआ करती थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उम्महातुल मोमिनीन का ये तर्ज अमल देखा कि एक के बाद दूसरी जो है वो देखा देखी में खेमे गड़वा रही है ताकि वहाँ पर वो इतकाफ़ के लिए बैठे, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क्या इनका नेकी का इरादा है? ये इस्तफा में इनकारी है, यानी इनका नेकी का इरादा तो नहीं है, बल्कि ये जो एक सोकन दूसरे सोकन को जो यानी एक देखा देखी उनको गुस्सा दिलाने के लिए या उनके साथ हिर्स करते हुए कोई काम करती है, ये तो उसी ही का मजहर है, ये तो इबादत नहीं है, ये अल्लाह ताला को राज़ी करने वाला अमल तो ना हुआ। तो इस वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना सिर्फ ये कि उनके खेमे उखाड़ दिए, बल्कि खुद अपना खेमा जो था उसको भी बारे में हुक्म दिया कि इसको भी उखाड़ दिया जाए। फिर आपने शवाल में जो है वो इस इतकाफ़ की कज़ा दी। इससे ये भी मालूम होता है कि जो नफली इबादत होती हैं उन नफली इबादत की कज़ा दी जा सकती है। जैसे नफली रोज़ा बंदे ने तोड़ दिया तो उसको कज़ा देनी चाहिए, इसी तरह इतकाफ़ अगर उसने छोड़ दिया या बीच में से उठकर चला गया तो उसको इतकाफी कज़ा देनी चाहिए, मुकम्मल करना चाहिए। घर में बैठते हैं तो घर में इतकाफ के बारे में ये इंशाल्लाह जब आप किताब सियाम पढ़ेंगे तो वजीद वजाहत आएगी। तो घर में इतकाफ का कोई तसव्वुर नहीं है। जी हाँ, कुरान करीम में जो अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है वह अंतुम आकिफून फिल मसाजिद व रुक्का इस्सुजूद तहरा बैत लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्का इस्सुजूद वल आकिफीन, इतकाफ इसी से है। तो इतकाफ के लिए मस्जिद का होना शर्त है, घरों के अंदर इतकाफ नहीं हो जा। नफली और मसनून इतकाफ में क्या फ़र्क है? नफली इतकाफ और मसनून इतकाफ, रमज़ान के आखिर में, रमज़ान के आखिरी अशरे में जो इतकाफ किया जाता है ये एक सुन्नत इतकाफ है। अगर इस इतकाफ को छोड़कर इंसान
कभी भी मस्जिद का रुख करके अपने आप को मस्जिद के अंदर रोक ले, और आपको मालूम है कि इतकाफ करने के लिए 10 दिन का होना शर्त नहीं है, तो जिस कदर भी इंसान अपने आप को मस्जिद के अंदर रोक ले तो ये एक जो है वो यानी नफरी इतकाफ कहलाएगा। बाकी जो मस्जिद में रमज़ान के आखिरी अशर में किया जाता है तो वो मसनून इतकाफ होगा। वो तो बिल्कुल वो तो ज़रूरी हो जाएगा, नफली रोज़े की कज़ा देना ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी की अगर बात करें तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन कज़ा देनी चाहिए, नफली इबादत की भी कज़ा देनी चाहिए। सर अगर कोई शख्स चाश्त या इशराक पढ़ता है और किसी दिन उसने नहीं पढ़ी तो उसको पढ़नी चाहिए उसको अलग से? आल बिर्रत और इदना, क्या तुम नेकी का इरादा रखती हो, यानी नेकी से मुराद इताअत और इबादत का तुम्हारा इरादा है। फलम यातकिफ फी रमदान, बस आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमदान में इतकाफ नहीं किया। वातकफ अशरन मिन शव्वाल, और एतकाफ़ किया शवाल में से 10। नफली एतकाफ की कज़ा क्यों है? इसलिए कि इबादत का अगर आपने इरादा कर लिया, नियत कर ली, तो उस नियत को पूरा करना चाहिए। जो भी जिसे आपने नफली रोज़ा रखा, आपका मकसद था अजर हासिल करना और आपने किसी वजह से उसको तोड़ दिया, तो आप अपनी नियत को बरकरार रखें, और इसी तरह ये एतकाफ का मामला भी। लेकिन अगर कहें वाजिब भी, तो वाजिब नहीं है। इतकाफ़ की कम से कम मुद्दत जो है वो उस बारे में कोई वारद तो नहीं हुआ, हाँ लेकिन यह है कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के एक कौल से जो है वो इस्तदलाल किया जा सकता है कि एक दिन और एक रात का इतकाफ़ किया जा सकता है, एक दिन और एक रात का, यानी इससे कम का नहीं हो सकता। बंदा 2 घंटे के लिए मस्जिद में आए, कहीं मैं इतकाफ़ करता हूँ तो इतकाफ़ नहीं होगा। वीडियो भी काम नहीं कर रही, आप फिलहाल ऑडियो से काम चला लें, कहीं ऐसा ना हो कि ऑडियो भी चली जाए। अगली हदीस है अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हदीस का नंबर है 710। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा قالت أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش رمية في الأكحل। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि أصيب سعد, उसीबा पहुंचा या लगा साद रदी अल्लाह अन्हु को खंदक के दिन, क्या पहुंचा? रमाहु रजुलुन मिन कुरैशिन रमियतन, रमाहु उनको मारा यानी तीर मारा, रजुलुन एक आदमी ने, मिन कुरैशिन कुरैश में से, रमियतन तीर, फिल अकहले, अकहल जो है उस रग को कहा जाता है कि जो इंसान के जिस्म के अंदर जो खून सप्लाई करने की जिम्मेदार होती है, हाथ के अंदर जो जिसको कहेंगे अहम तरीन रग, जो मेन रग जो है वो हाथ के अंदर होती है, तो उसको अकहल कहते हैं, और ये कहीं पर भी जाकर जो है वो जाकर जमा होती है, तो इंसान की जो शह रग है तो उससे जो रगें निकलती हैं, तो ये मेन रग होती है जो हाथ के अंदर होती है, और उससे फिर छोटी छोटी नसें, तो हाथ की जो अहम तरीन रग है उसको अकहल कहा जाता है। अकहल हम उसको शहरग तो नहीं कह सकते क्योंकि शहरग इंसान की गर्दन में होती है, तो यहाँ पर मुराद सिर्फ रग कहेंगे, एक रग में। फ़ादारबा अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो गाढ़ा उन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खेमा, फिल मस्जिद, मस्जिद में, लियाउदहु मिन करीब, ताकि करीब से उनकी अयादत कर सकें। जब मस्जिद के अंदर खेमा गाड़ा जाएगा और वो भी एक ज़ख्मी फौजी, ज़ख्मी मुजाहिद का, तो ज़ाहरी बात है कि वहाँ एक तो लोगों का इज्तिमा होगा, तो ये इज्तिमा भी मस्जिद के मुनाफी नहीं है, यानी लोग इबादत के अलावा आयादत के लिए आ रहे हों तो ये भी मस्जिद के आदाब के मुनाफी नहीं है। और इसी तरह अगर मरीज़ वहाँ पर मौजूद होगा तो ज़ाहरी बात है उसका खून भी निकलेगा, लेकिन उसको दीगर आवारिस भी लाहिक होंगे, तो इस तरह अगर मरीज को मस्जिद के अंदर रोक लिया जाता है तो ये शरीयत के मुनाफी नहीं है, बल्कि ये एक सुन्नत अमल कहलाएगा, ताकि अगर उसका कोई ख़ास मकाम और मर्तबा है, जैसे ये सरदार थे कबीले के, तो इस वजह से ताकि उनके यानी करीब ही आयादत हो, लोगों को बार बार उनके घर में जाने की परेशानी ना हो,
उनका एक मकाम वो मर्तबा है तो मस्जिद में उनके लिए एहतमाम किया जा सकता है। लियाउदहू, ताकि उनकी आयादत करें। अब ये पीछे कुछ मैसेज आ गए और ये हमारा माउस काम नहीं कर रहा, तो अगर मैं आपको इस सवाल का जवाब ना दे सकूं तो आप अपना सवाल दोबारा पेस्ट कीजिएगा। साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं थे, बल्कि ये साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु थे। जंगे खंदक में जो जिनके बारे में आप ये कि इहतज़लहु अशुर रहमान, जी हाँ बिल्कुल, साद बिन मुआद रज़ी अल्लाह अन्हु थे। साद, ये हदीस रिपीट कर दें तर्जुमा। देखें हम इस तरीके से आगे बढ़ नहीं पाएंगे, मुख्तसर जिक्र कर देते हैं। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि पहुंचा साद रज़ी अल्लाह अन्हु को खंदक के दिन एक तीर, एक आदमी ने कुरैश में से उनको उनकी अहम रग में उनको तीर मारा। फ़दरब अलैही, बस गाड़ा उनके ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खेमा मस्जिद में, ताकि करीब से उनकी आयादत करें। इदखाल सुबियान अल-मसाजिद, बच्चों को मस्जिद में दाखिल करना, बच्चों को मस्जिद के अंदर ले जाना। عن ابي قتاده عن يقول بين نحن جلوس في المسجد اذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل امامه بنت ابي العاص। ابو قتاده رضي الله عنه فرماتے ہیں دوران اس کے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھائے ہوئے تھے उमामा बिनते अबिल आस बिन रबी को। उमामा बिनते अबिल आस कहते हैं, वह उम्मुहा ज़ैनब, उमामा की जो माँ थी वो ज़ैनब थी, और वो बिनत रसूलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। तो उमामा रदियल्लाहु अन्हा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी हुई। वहिया सबियतुन, इस साल में कि वो बच्ची थी, छोटी सी बच्ची थी। यह मिलोहा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको उठाए हुए थे। फसल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहिया अला आतिकिही, बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई इस हाल में कि वो आपके कंधे मुबारक पर थीं। यदाउहा, आप उनको रख रहे थे। इदा रका, जब रुकू करते, क्योंकि डरता कि कहीं गिर ना जाएं। वयुईदुहा, और उन्हें वापस कर रहे थे, उनको लौटा रहे थे, यानी दोबारा से उनको अपने कंधे पर बिठा रहे थे। इदा काम, जब खड़े हो जाते। हत्ता कदा सलातहु यफ़अलु दालिक बिहा, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी नमाज पूरी की, उनके साथ ये कर रहे थे। तो इस हदीस से एक तो ये मामला मालूम हुआ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बच्चों से भी बढ़कर बच्चियों से मोहब्बत का इजहार इस तरीके से किया, ताकि दौरे जाहिलियत में जो लोगों के दिलों में जो बच्चों के लिए नफरत पाई जाती थी, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमली तौर पर बच्चियों से मोहब्बत का इजहार करके और बच्चियों का इंसान के लिए बायस रहमत होना, इसको जो है वो जाहिर किया। ये जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी तो आपकी ज़िंदगी में ही फौत हो गई थी, बाकी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो ये दामाद थे ये उसके बाद भी जिंदा रहे। अच्छा, यहाँ सवाल पैदा होता है कि अगर हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं उन्होंने डायपर्स पहने हुए होते हैं, अगर बच्चे ने पिंपर पहना हुआ हो और उसके अंदर यानी अगर उसका पेशाब हो या फिर पाखाना हो और वो बच्चा यानी बाहर उसका वो लीक नहीं हो रहा, उसने कपड़े वगैरह पहने हुए हैं, तो क्या इस हालत में हम उसको उठाकर नमाज पढ़ सकते हैं? सवाल समझे? तो क्या करती हैं हमारी वो बहनें जो बच्चों की माएं हैं?
ये सहूलत पसंद माएँ हमारी क्लास में ज़्यादा हैं, यहाँ पर भी यही जवाब आ रहा है, तो नहीं नहीं पढ़ सकते। आज से आपको फतवा मालूम हो गई, लिहाजा जिस तरह आप व्हाट्सअप चेक करते हैं ना, इसी तरह जो ना उसकी जो ना बार बार बच्ची की वो चेक किया अगर बच्चों की, तो अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और आप बच्चे को उठाना चाहते हैं तो फिर आप उसका जो ना वो चेक कर लें कि अगर उसने कार्रवाई कर ली है तो फिर आप उसको नमाज में ना उठाएं, ठीक है। माएँ तो बड़ी तजुर्बेकार होती हैं, उनको पता चल जाता है कि इसकी क्या टाइमिंग है, तो इस सूरत में उसको जो ना वो ना उठाएं, क्योंकि इब्ने बास रहमहुल्लाह का भी यही फतवा है। नजासत जो होती है ना वो जिस्म के साथ अगर लगी हुई है, चाहे वो बच्चा जो आपके साथ टच हो रहा है, अगर उसके जिस्म के साथ नजासत लगी हुई है, भले वो नजासत आप तक नहीं पहुंच रही, ठीक है, तो आप उसको नहीं उठा सकते। तो नजासत किसी भी चीज़ के अंदर पैक हो तो वो आप नमाज के अंदर नहीं उठा सकते। ये अलग बात है कि हम अपने पेटों में एक ड्रम लेकर खड़े होते हैं तो अल्लाह ताला ने इसकी इजाज़त दी है, बाकी इसके अलावा किसी और चीज़ के अंदर पैकिंग में हो तो हम उसको नहीं उठा सकते। क्लीन पेपर हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो उठा सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं उसमें। और अगर बिलफर्ज आपने उठाया और उस वक़्त कुछ भी नहीं था और नमाज के बाद आपने देखा, तो आपने देखा कि उसने कुछ कर दिया है, तो फिर उस सूरत में नमाज दोहराने की ज़रूरत नहीं है। सर बच्चे खुद आकर सही, अगर बच्चे खुद ब खुद आकर चिपक जाते हैं और बंदा उनको दूर करने की कोशिश कर रहा है फिर तो वो माजूर है। आखिर में है कि फसल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां से वही अला आतिकही, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ाई वही अला आतिकही इस हाल में कि वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कंधे पर थी, यदाउहा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको रख रहे थे, इदा रका जब रुकू करते, व युईदुहा और उनको लौटाते, इदा काम जब खड़े हो जाते, हत्ता कदा सलातहु यफ़अलु ज़ालिका बिहा, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पूरी कर ली, आप उनके शादी कर रहे थे। और इसी से उलमा ने यह भी इस्तदलाल किया है कि अगर एक इंसान की कोई ऐसी चीज़ नीचे गिर जाती है जो उसके लिए ज़रूरी है, मिसाल के तौर पर जब उसका बटवा गिर गया या फिर एक उसकी टोपी गिर गई या पगड़ी गिर गई, तो फिर वो उसको उठाकर अपने सर पर रख सकता है। तो नमाज के अंदर इतनी छोटी हरकत इसकी इजाज़त है। सही, अगली हदीस है 712 और बाब है रबतुल असीरी बे सारियतिल मस्जिद। रबतुल असीर, बांधना कैदी को बे सारियतिल मस्जिद, मस्जिद के सुतून के साथ। अगर एक जिम्मी है या किताबी है या फिर मुशरिक है और उसको मस्जिद के अंदर बांध दिया जाता है, तो उसका जो वजूद है, उसका वजूद वो मस्जिद को नापाक नहीं करता। अगर कोई हिंदू हमारी मस्जिद के अंदर आ जाता है, कोई गैर मुस्लिम, तो इसके वजूद से हमारी मस्जिद नापाक नहीं होती। ये अलग बात है कि बाज़ बरेलवियों की मस्जिदें मुवहिदों के दाखिल होने से नापाक हो जाती हैं और वो पूरा पूरा मस्जिद को धोते हैं, तो अस्तग़फ़िरुल्लाह माअदल्लाह, तो उनके नज़दीक यानी एक मुवहिद मुसलमान वो मुशरिक से भी बढ़कर नजस है। क्या इनकी ज़हनियत है? जिनको अल्लाह ताला ने शऊर दिया है, समझ है, तो उनके अंदर ये तासुब नहीं पाया जाता, वगरना तो ये कुछ मसाजिद के अंदर लिखा हुआ होता है कि यानी हनफी मज़हब के अलावा किसी और का दाखला ममनू है। सुतून पिलर, जी हाँ। अच्छा, तो हरमेन का क्या मामला है, यानी अगर मस्जिद नबवी मस्जिद हराम में उसको दाखिल किया जा सकता है गैर मुस्लिम को? मस्जिद हराम के जो अहकाम हैं वो अभी तक यही हैं कि गैर मुस्लिम उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन ये जो मामला पेश आया था ये मस्जिद नबवी का था, तो मस्जिद नबवी में अगर ज़रूरत पेश आ जाए तो गैर मुस्लिम को दाखिल किया जा सकता है। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं बाअथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैलन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा खैलन एक दस्ता,
घुड़सवारों की एक जमात, क़िबल नजदिन नजद की तरफ, फजाअत बिरजुलिन, और ये नजद जो का इलाका ये सऊदी अरब के अंदर है, फजाअत बिरजुलिन मिन बनी हनीफता, बस एक आदमी को ले आया, ये जो घुड़सवारों का दस्ता था ये एक बनु हनीफा के एक आदमी को ले आया, युकाल लहू थुमामत बिन उस्तालिन, ये जिसे थुमामा बिन उस्ताल कहा जाता था, यानी उसका नाम थुमामा बिन उस्ताल था, सैयदु अहलिल यमामत, ये अहले यमामा का सरदार था, फारूबिता, बस इनको बांध दिया गया, बेसारियतिन एक सुतून के साथ, एक पिलर के साथ, मिन सवारिल मस्जिद, मस्जिद के सुतूनों में से। आगे लिखा हुआ मुख्तसर कि ये हदीस मुख्तसर है, वगरना ये हदीस की काफ़ी लंबी तफसील है। बहरहाल यहाँ से दलील जो ली जा रही है मसाजिद के एतबार से कि मस्जिदों के अंदर मुशरकों को दाखिल किया जा सकता है, लेकिन इन्नमल मुशरकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिद हराम बाद आमिम हादा, इसका हुक्म मस्जिद हराम के साथ खास है। इदखालुल बईरिल मस्जिद, हदीस का नंबर है 713। इदखालुल बईर, ऊंट को दाखिल करना मस्जिद में, यानी वो जानवर कि जिसका गोश्त खाया जाता है उस जानवर को मस्जिद के अंदर दाखिल करना। عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن। رسول الله صلى الله عليه وسلم ने حجة الوداع में तवाफ किया, على بعير ऊंट पर, يستلم الركن, आप अलैहि सलात व सलाम छू रहे थे रुकन को, रुकन यमानी को, بمحجن खूंटी के साथ, महजन यानी एक तो लाठी होती है ना, उस लाठी का अगला सिरा अगर यूं मुड़ा हुआ हो, जैसे खतीबों के हाथ में जुमे वाले दिन आपने लाठी देखी होगी, तो उसको खूंटी कहते हैं, और इसके लिए आसान लफ्ज़ उर्दू में पता नहीं क्या है। तो मेरा लाठी के साथ, महजन लाठी के साथ, लेकिन ऐसी लाठी कि जिसका अगला सिरा मुड़ा हुआ हो, वो जो आप बुजुर्गों के हाथों में लाठी देखते हैं ना, ये इस तरह की लाठी होती है, जी हाँ, मुड़ी हुई होती है, ये एल की शेप में जो होती है। बिल्कुल, आप अलैहिस्सलात वस्सलाम ने ऊंट पर सवारी की, कहां पर? मस्जिद हराम में। और तवाफ कहां होता है? वो मताफ जो है ये मस्जिद हराम का हिस्सा है, ठीक है ना। तो यहां पर ऊंट को दाखिल करके इसके ऊपर जो है वो तवाफ किया, तो इससे ये पता चलता है कि मस्जिद के अंदर अगर जरूरत हो तो ऐसा जानवर के जिसका गोश्त खाया जाता है, ठीक है ना, उसको दाखिल किया जा सकता है। इसकी शर्त इसलिए है क्योंकि अगर वो मस्जिद के अंदर दाखिल होगा तो कुछ बाइद नहीं है कि वहाँ पर वो लीद या पेशाब कर दे, और लीद या पेशाब करने से नमाजियों की नमाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर कोई इसको छू ले या किसी का उसके ऊपर पाँव आ जाए या किसी के ऊपर उसकी छींटे पड़ जाए तो उसकी नमाज नहीं टूटेगी, वो नापाक नहीं होता। आप अलैहिस्सलात वस्सलाम ने ऊंट पर सवार होकर जो है वह तवाफ इसलिए किया, इसकी शायद एक वजह यह थी कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, या फिर यह है कि आप अलैहिस्सलात वस्सलाम ने यह इसलिए किया ताकि आपकी तबीयत का मसला था, या फिर इसलिए ताकि आप ऊंचाई पर हों और लोग आपको तवाफ करते हुए देखें कि आप किस तरीके से तवाफ करते हैं। वगैरह इंसान को चाहिए कि वो सवारी पर तवाफ करने के बजाय, यानी मौजूदा दौर में अगर बंदे के पास सवारी हो और सवारी पर सवार होकर तवाफ करे, तो कुरान करीम का हुक्म है वल यतवफु, इनको चाहिए कि वो तवाफ करें, जबकि इस सूरत में तवाफ तो यानी सवारी कर रही होगी, तो बेहतर ये है कि इंसान खुद तवाफ करे, इल्ला ये कि वो माजूर हो और तवाफ ना कर सकता हो तो व्हील चेयर पर जिस तरह बिठा कर किया जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें रुकन एक होता है हजर अस्वद, और हजर अस्वद से पहले जो खाने काबा का जो कोना आता है जो यमन की तरफ है, तो उसको रुकन यमानी कहा जाता है, हजर अस्वद से पहले का। तो यहाँ पर जो हदीस मालूम होता है कि अगर इंसान चाहे तो इन दोनों कोनों को
हाथ यानी बोसा दे और सबसे अफजल तरीन यही है, या फिर ये कि इन दोनों को हाथ लगाए और हाथ लगाकर और अपने हाथ को बोसा दे, ये भी ठीक है। तीसरी सूरत ये है कि इंसान के हाथ में कोई चीज़ हो, सही मुस्लिम की हदीस है कि आप अलैहिस्सलाम उसको छूते और उस लाठी के कोने को चूमते, तो ये भी तरीक़ेकार सही है, यानी तीनों चीज़ें सही हैं। लेकिन अगर इतना दूर हो कि इंसान की ना लाठी पहुँच सकती है ना हाथ पहुँच सकता है, ठीक है ना, तो इस सूरत में फिर हाथ से इशारा करेगा लेकिन हाथ को चूमेगा नहीं फिर, क्योंकि हाथ उसको लगा नहीं है। और कुछ वहां पर वो फ्लाइंग किस कर रहे होते हैं, ये भी जायज नहीं है, या तो आप खुद उसको हाथ को छुएं और फिर हाथ को चूमें, यानी कोई ना कोई जो ना वो लम्स होना चाहिए, चाहे वो किसी लकड़ी के जरिए से हो। जी उसको छूने का जिक्र आता है। जी हाँ, यस्तलिमु का माना है छू रहे थे। मस्जिद हराम में गैर मुस्लिम का दाखला कैसे है? गैर मुस्लिम को दाखिल नहीं कर सकते, मस्जिद हराम के अंदर गैर मुस्लिम का दाखला ममनू है। हाँ, मस्जिद नबवी में जिस तरह तुमामा बिन उत्ताल रदी अल्लाह अन्हु को बांध दिया गया था, तो गैर मुस्लिम को दाखिल किया जा सकता है। खतीब जो ये मुड़ी हुई लाठी उठाते हैं, तो उस दौर के अंदर तो वो लाठी आप अलैहिस्सलाम के साथ हुआ करती थी हर वक्त। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो जानवर जिसका हम गोश्त खाते हैं उसका पेशाब नापाक नहीं होता, वो अगर कपड़ों को लग जाए तो उस सूरत में अगर आप नमाज पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते, उसको धोना ज़रूरी नहीं है। बाकी सर रुकन यमानी से मुतालिक मशहूर का मसला वहाँ से नहीं है, 712 का कौन सा मसला है? एक तो ये कि मेरे पास माउस काम नहीं कर रहा और आपके सवालात आगे हो जाते हैं। जो मसला है वो लिखकर भेज दें, इसकी वजाहत कर दें प्लीज। तवाफ के दौरान कोई खास दुआ होती कि नहीं? कोई खास दुआ नहीं होती, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने दुआ सिखाई है और उसमें से एक रब्बना आतना फिद दुनिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू, ये वाली दुआ तो ये है। बाकी इसके अलावा जो भी मांग सकते हैं मांग सकते हैं। खुतबात के लिए जो आपने सवाल किया था, यानी ये जो लाठी के बारे में, तो शेख सऊद अश-शुरैम हाफिज़हुल्लाह उनकी किताब है अश-शामिलु फी फिक्हिल खतीब वल खुतबा, यानी जुम्मे के खुतबे के बारे में जामे तरीन किताब है। अगर आप इस किताब को पढ़ लें और ये इस किताब की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ये तो हमने देख ली और फ़ौरन ख़रीद ली थी, लेकिन बाद में हमें उस्ताद ने वहाँ एक जो काम देते हैं जिस तरीके से आपको काम दिया जाता है, तो इस तरीके से उन्होंने कहा था कि इसके कुछ मखसूस अबवाब की तलखीस करके ले आएँ। फिर बाद में हम रियाज गए थे तो वहाँ से ये किताब वहाँ पर फ्री तकसीम हो रही थी तलबा के लिए, ताकि इसको हासिल करें। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन और जामे किताब है। अगर आप अरबी जानते हैं और आप खतीब हैं तो फिर आप इस किताब को अपने सामने ज़रूर रखा करें, मुताला इसका करें, ताकि आपको पता चले कि जुम्मे के खुतबे की क्या अहकामात हैं। अपने अपने मौजू पर जामे तरीन किताब है और बड़ी दिलचस्प किताब है। इंसान के खून का हुक्म यह है कि इंसान का खून अगर जिस्म को लग जाए तो नापाक नहीं, नमाज पढ़ सकते हैं। जी हाँ, अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जुमा पढ़ाता हूँ, सुभानी मस्जिद यारी, ये दुआ होटल है, शायद आपने नाम सुना होगा, तो यहाँ पर एक सुभानी मस्जिद के नाम से मस्जिद है, वहाँ मैं जुमा पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। किताब का नाम है अश-शामिलु फी फिक्हिल खतीब वल खुतबा, अश-शामिलु फी फिक्हिल खतीब वल खुतबा। टाइम हो चुका है तो इंशाल्लाह बाकी हम कल पढ़ते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अन
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام جي اب تیز آواز آ رہی ہے تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے جس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے جو دین کی سمجھ کے لیے تفقہ فی الدین کے لیے وہ نکلے اور وہ دین کو سمجھنے کے بعد لوگوں کو دین کی طرف بلائے اور اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائے تاکہ لوگ اللہ کے عذاب سے ڈر جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتا ہے خیر اور اچھا کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو ماشاءاللہ آپ لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو آن لائن میں ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے ہی یہ اچھے اعمال اپنے پائے تکمیل تک جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں اور اچھے اعمال اس وقت کرنے کی توفیق ہوتی ہے جب اللہ کا فضل ہوتا ہے. ابھی خیر ہم دنیا کے پیچھے اتنے زیادہ لگ گئے کہ دین کے متعلق سمجھنا نعوذ باللہ بعض لوگ وقت کے ضیاع سمجھتے ہیں, بعض لوگ نعوذ باللہ بیوقوفی سمجھتے ہیں. حالانکہ سب سے بڑا بیوقوف وہ شخص ہے جو دین کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں, دین کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں دیتا اور صرف یہ کہتا ہے کہ بس اللہ کا فضل وسیع ہے, اللہ کی رحمت وسیع ہے, یہی کہتا رہتا ہے. اس سے جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله كما قال عليه الصلاة والسلام. عقل من شخص وہ ہے جو آخرت کی تیاری کر لے اور اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں یعنی اس کو صرف کرے اور اس کو خرچ کرے. اور بیوقوف شخص وہ ہے جو اپنی زندگی وہ ضائع کرے اور وہ اللہ پر امید رکھے خالی, کہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ضرور ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے, سخت ترین قسم کا جو ہے عذاب دینے والی ذات ہے اگر انسان اپنے آپ کو نہ سمجھے اور اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی صرف نہ کرے تو اللہ کی پکڑ بھی جو ہے بڑی شدید ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو بہرحال ہمارا جو مادہ ہے وہ انشاءاللہ فقہ کا ہے اور فقہ کا سمجھنا یہ ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے اور انتہائی لازمی ہے, خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. انسان کی زندگی کے ساتھ بلکہ زندگی کے ہر لمحے کے ساتھ فقہ کا تعلق ہوتا ہے. تو فقہ فی الدین یعنی دین کا سمجھنا اور دین میں فہم و فراست حاصل کرنا
दीन की मारिफत हासिल करना ये हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। और ये जो किताब है अल-फिक्हुल मुयस्सर, अल्हम्दुलिल्लाह नाम भी मुयस्सर है यानी आसान, और वाकई इसकी इबारत भी बहुत आसान है और इसका उसलूब भी बहुत आसान है और इसके जो मसाइल है उसको भी इंतहाई यानी बेहतरीन तरीके से मुअल्लिफीन ने इसको जमा कर दिया है और तरतीब दी है। तो इंशाल्लाह ये किताब इस साल इंशाल्लाह हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इससे पहले आप लोगों ने पढ़ी है ये किताब? अच्छा, पहली बार आप पढ़ रहे हैं। तो इस किताब की अहमियत के हवाले से मुख्तसर मैं आपको बता दूं कि इस किताब को जमा करने वाले ये सिर्फ एक आलिम नहीं है, कई उलमा ने, उलमा की एक टीम ने, वो भी फिकही उमूर में स्पेशलिस्ट जो रखने वाले जो उलमा है, तखस्सुस जो किए हुए जो उलमा है मुतखस्सिसीन, उन्होंने इस किताब की तरतीब दी है। फिर इस किताब को तरतीब देने के बाद वहाँ सऊदी अरब में एक और बाकायदा बड़ी कमेटी है फिकही जो किबार उलमा पर मुश्तमिल है, तो उनके सामने ये किताब पेश की गई। फिर उन्होंने भी अच्छी खासी तहकीक करने के बाद, बारीक बीन तरीके से मुताला करने के बाद, इस किताब के जो मसाइल है, इसमें जो कमी कोताही थी उसको पूरा करने के बाद उन्होंने इस किताब को छापने की इजाज़त दी है। फिर इस किताब को छापने के बाद उलमा की एक टीम ने फिर इसका जो है मुराजा किया है कि कहीं कोई गलती तो नहीं, कहीं कोई आयात कुरानिया या अहादीस नबुविया या कोई फिकही इबारत जिसमें अगर कोई कहीं कोई गलती हो, तो इसके लिए उन्होंने इस किताब की तबात के बाद उसको दोबारा जो है इसकी वो कर ली है। जी हाँ, तहकीक की है, छानबीन की है, फिर इसके बाद इस किताब को नशर यानी मुकम्मल तौर पर सरकारी तौर पर नशर करने की इजाज़त दी है। तो किताब की बड़ी अहमियत है, ये कोई आम किताब नहीं है, यानी मतलब एक आलिम ने अगर किताब लिखी हो तो उसमें गलतियाँ हो सकती हैं। यहाँ पर कई उलमा बैठकर इस किताब को तरतीब दी है। फिर इसके बाद किबार उलमा की जो एक बड़ी टीम है उन्होंने इस पर नज़रसानी की है। फिर इसके बाद इसको छापने की इजाज़त दी है। छापने के बाद फिर मुतखस्सिसीन उलमा की एक टीम ने इस पर नज़रसानी फिर की है दोबारा से। फिर इसके बाद इसको आगे मतलब मुख्तलिफ मकतबात में, लाइब्रेरियों में देने की इजाज़त दी है और मुख्तलिफ मदारिस में पढ़ने की भी इन्होंने इजाज़त दी है। तो इंशाल्लाह नमाज के बाद हम इसके जो इब्तिदाई बाज़ अहम मसाइल हैं इस पर रोशनी डालेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी नमाज के लिए चलते हैं। जी जी, मतलब किताब का तारुफ तकरीबन सब ने ख़त्म कर दिया। अब मुकदमा जो है, इसके जो मुकदमा है इब्तिदाई जो किताब की जो मुकदमात हैं इस पर जी तमहीद वगैरह इस पर इंशाल्लाह। Thank you.
बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व मन वाला व बाद। तो इस किताब का तारुफ हो रहा था और ये किताब फिक्ह के लिहाज से एक इंतहाई अहम और आसान किताब है। अब इसका हम मुकदमा पढ़ लेते हैं और मुकदमा के हवाले से और बाकी दीगर दुरूस के हवाले से मेरा असल में एक तरीक़ेकार ये होता है अमूमन कि तलबा से इबारत पढ़ने को कहा जाता है। असल में इबारत सही पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है और जब इबारत में ग़लतियाँ होती हैं तो माना में भी ज़रूर गलती होगी फिर इसके बाद, क्योंकि अरबी इबारत उसके ज़बर ज़ेर पेश के हिसाब से माना बदलता है। तो लिहाजा इबारत को भी सही मानों में पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है। तो इख्तिसार के साथ थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद इसका तर्जमा मैं इंशाल्लाह करके हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। तो मुकदमा आप पढ़ लीजिए। ये क्या हो रहा है, बंद हो रहा है बार बार। हाँ हो गया, फिर बंद हो गया, किसी कहीं पर कोई वो है शॉर्ट हो रहा जी। पढ़ लीजिए। بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة بقلم معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل شيخ وزير الشؤون شروع میں شروع میں شروع سے شروع سے جی مقدمہ جو ہم ہاں صحیح صحیح آپ اوپر سے ہی پڑھ رہے ہیں صحیح صحیح جی جی وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المشرف العام على المجمع المشرف العام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالفقه في الدين والبصر بأحكم الشرع من أجل المقاصد وأمثل الغايات وما دعوة الشارع في كثيرة قاصرة من نصوص ثابتة إلى تطلب الفقه والتمحر به دراية وتدبرا إلا خير عنوان على ما لهذا المطلب من شأن في الدين الله وكفيك من هذا انه جعل من اراده الخير بالعبد تفقه في دين ربه فقال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين انه ليس يستوي عبد اعشاه الجهل واذله الهوى عن ان يبلغ غايه وهو يتخبط في طريقه لا يكاد يتحدي مع عبد قد استنارت بصيرته وهو يعبد ربه على هدى منه والنور ومن هنا كان قوله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ma
और तमाम हेलो हेलो जी वमा दावतु शारिई फी कसरतिन कासिरा और नहीं है शारि की दावत शारि से मुराद अल्लाह है असल शारि अल्लाह की जात है फी कसरत इनका थिरा उसके कसरत से जो यानी नुसूस है दलाइल है ज़्यादा नुसूस और दलाइल में शारे की जो दावत नहीं है साबित इला ततल्लुबिल फिक्ही फिक को तलब करने की तरफ यानी फिक को ज़्यादा ज़्यादा हासिल करने की तरफ व तमहुरी बिही और इसमें महारत हासिल करने के बारे में दिरायतन अकली एतबार से व तदब्बुरन और गौर करते हुए अकल करते हुए और गौर करते हुए इल्ला खैरु अनवानिन मगर वो बेहतरीन किस्म के जो है एक एड्रेस है ये अला माल हाज़ल मतलबी जो इस मतलब के लिए है इस मकसद के लिए है मिन शानिन इसकी हालत में से फी दीनिल्लाह अल्लाह के
दीन में या इसके काम में मिनशानिन इसके अमर में इसकी हालत में अल्लाह के दीन में से। यानी इसका मफहूम यह है कि शारे ने जहाँ कहीं भी कसरत से दीन के बारे में समझने के बारे में दीन को समझने के बारे में तफक्कुफ़ दीन के बारे में जो भी नुसूस जिक्र किए हैं कसरत से शारिया ने वो सिर्फ और सिर्फ जो है इस बात की दलील है कि तफक्कुफ़ दीन इसकी बहुत बड़ी शान है और इसका बहुत बड़ा मुकाम है अल्लाह के यहाँ। वकफ़ युका यानी आपको ये काफ़ी है मिनहादा इसमें से अन्नहु जाला बेशक अल्लाह ने कर दिया मिन इरादतिल खैरी यानि बिलअब्दी बंदे के साथ भलाई करने का इरादा तफक्कुहु फी दीन रब्बी यानि बंदे के साथ अल्लाह का भलाई का जो इरादा है वो किस में रखा शारिया ने वो तफक्कुह फी दीन में रखा। तो ये काफ़ी है आपके लिए। फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन युरीदिल्लाहु बिही खैरन जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई करना चाहता है भलाई का इरादा फरमाता है तो युफक्किहु फिद्दीन उसको दीन की समझ अता फरमाता है। ये मन शर्तिया है और युरीद जो है ये फ़ैल शर्त है और युफक्किहु फिद्दीन ये जवाब शर्त यानी इसको कहते हैं जुमले शर्तिया। तो जिस किसी के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करे तो उसके साथ अल्लाह तो उसको अल्लाह ताला दीन की समझ अता फरमाता है। तो दीन की समझ अता करना ये उसके साथ भलाई करने का जो है ये अल्लाह की तरफ से इरादा है। तो हर उस शख्स को यानी हर उस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई और खैर करना चाहता है जिसको दीन की समझ का शौक हो। तो ये इस बात की एक बहुत बड़ी दलील है। अगर कोई कुरान और हदीस को समझने के लिए किसी भी जगह पर वो चले जाता है कुरान हदीस को समझने के लिए कुरान हदीस के इल्म को हासिल करने के लिए तो हकीकत में अल्लाह ताला ने उस शख्स के साथ भलाई का इरादा फरमाया है। शर्त यह है कि उस शख्स की नीयत अच्छी हो उसकी नीयत अच्छी हो तो अल्लाह ताला ने उसके साथ खैर और भलाई का इरादा फरमाया है। और इसकी तो और बहुत सारी मिसालें हैं। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है वइन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा लितालिब अलइल्म रिदम बिमा यस्ना और यकीनन अल्लाह के फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं तलबा के लिए जो तलबा जिस उम्र की भी हो ख्वाह वो छोटी उम्र की हो या बड़ी उम्र की हो ख्वाह मर्द हो औरत हो जब वो दीन की तलब के लिए दीन के इल्म हासिल करने के लिए इखलास और इलाहियत के साथ जब वो घर से निकलता है और जहाँ कहीं भी वो बैठ जाता है इल्म हासिल करने के लिए तो अल्लाह के फरिश्ते उनके लिए एजाज़ और तकरीम के तौर पर एजाज़ और इकराम के तौर पर अल्लाह के फरिश्ते उनके लिए अपने पर बिछाते हैं। कितनी बड़ी जो है यानी एजाज की बात है और कितना बड़ा शरफ और मुकाम की बात है। तो जिस किसी के साथ भी अल्लाह ताला भलाई करना चाहे तो अल्लाह ताला उसको दीन की समझ अता फरमाता है अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए जो है पर बिछाता है। तो नियत जो है ये अच्छी होनी चाहिए। बहरहाल इन्नहु लैसा यस्तवी बल्कि जब कोई आते हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह आप कहीं से भी आ रहे इधर इल्म हासिल करने के लिए आपका आना आपका वापस जाना आपका यहीं पर बैठना अगर उस्ताद ना आए तो उसके इंतज़ार में भी बैठे रहना ये सब आपको अजर व सवाब जो है इसकी वजह से अजर व सवाब दिया जाता है। हर हर जो है नफस पे अजर व सवाब मिलता है। इसीलिए बहुत सारे उलमा ने नफली इबादत से भी ज़्यादा इल्म हासिल करने की फजीलत बयान की है। एक दफ़ा इमाम मालिक दरस इरशाद फरमा रहे थे दौरान दरस एक शख्स खड़े होकर सुन्नत पढ़ना शुरू कर दिया तो इमाम मालिक के बारे में मजीदे में जी शायद वल्लाह वालम इमाम शाफी थे या बहरहाल एक शख्स था बिल्कुल इमाम शाफी भी इमाम मालिक के शागिर्दों में से हैं तो फरमाया जिस चीज़ के लिए तू बैठा हुआ था वो ज़्यादा अफजल था उस चीज़ की नस्बत जिसके लिए तू खड़ा हुआ है। तो और इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल से भी वाज़ह अल्फाज में मौजूद ये इबारत मौजूद है कि तलबुल इल्म अफ़दलु मिन सलातिन नाफिला कि
सलात नाफिला से नफिल नमाज से ज्यादा इल्म हासिल करना ये ज्यादा अफजल है। इन्नहु लैसा यस्तवी अब्दुन, यकीनन शान ये है कि कोई बंदा बराबर नहीं हो सकता। अशाहुल जहलू, उसको यानी उसके दिल को भर दिया गया है, उसके दिल को भर दिया है जहालत ने, जहालत और लाइल्मी उसके दिल में भरी हुई है। वह अदल्लहुल हवा, और उसकी ख्वाहिशात ने उसको गुमराह कर दिया है। तो ये बराबर नहीं हो सकता। अन यबलुगा गायतहु, कि वो अपने मकसद तक पहुँच जाए, बल्कि वो फव यतखब्बतु, वो गिर जाता है फी तरीक़ी, अपने रास्ते में गिर जाता है, ठोकर खाता है अपने रास्ते में। ला यकादु यतहद्दा, वो करीब नहीं कि वो हिदायत पाए। वो बंदा बराबर नहीं हो सकता माबदिन, उस बंदे से जो है बराबर नहीं हो सकता। कदिस्तनारत बसीरतहु, उसकी बसीरत रोशन हो गई है, उसकी बसीरत जो है यानी उसका दिल अल्लाह ने रोशन कर दिया है। फहुव याबुदु, यानी किस वजह से, इल्म की वजह से, इल्म से उसके दिल को अल्लाह ने रोशन कर दिया। फहुव याबुदु रब्बहु, बस वो आलिम अपने रब की इबादत करता है। आला हुदन, हिदायत की रोशनी में, मिनहु अल्लाह की तरफ से, व नूर और नूर यानि इल्म की रोशनी में, इल्म की रोशनी में वो अल्लाह की इबादत करता है। तो वो बंदा और वो बंदा जिसका दिल जहालत से भरा हुआ है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकता। व मिनहु ना, और यहाँ से कान कौलहु सुबहाना, अल्लाह सुबहाना व तआला का ये कौल है। कुल, आप कह दीजिए प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हल यस्तवी लदीना, क्या बराबर हो सकता है वो लोग जो यालमूना, जो जानते हैं, इल्म रखते हैं, वल्लदीना, और वो लोग ला यालमून, जो इल्म नहीं रखते, जो नहीं जानते। क्या जानने वाला और न जानने वाला बराबर हो सकता है, यानी नहीं हो सकता। इस इस्तिफ़ाम को कहते हैं इस्तिफ़ाम इनकारी, इस्तिफ़ाम इनकारी, यानी इनकार के तौर पर सवाल किया अल्लाह ताला ने कि ये दोनों बराबर नहीं हो सकता, जानने वाला और न जानने वाला। जी इस्तनारा यस्तनीर, इस्तनारा तो रोशन हो गया, जी ये नूर से है। इस्तनारा यस्तनीर इस्तिनारा बाब इस्तफाल से है। लकद हमलत दावत उन्नासी तहकीक, यानी लोगों की दावत ने उठाई है, इला इबादत इल्लाही, अल्लाह की इबादत की तरफ, अला नूर मिनहु, अल्लाह की तरफ से रोशनी है, व बिहदिन मिन वही, और अल्लाह की वही के जरिए हिदायत मिल गई है। हुकूमत हादी बिलाद मुबारक, इस बाबरकत शहर की हुकूमत को, यानी इधर हमलत नहीं है बल्कि हमलत है, जी हमलत, हमलत नहीं हमलत, हमलत का माना बरंगिख्ता करना, किसी चीज़ की तरफ आमादा करना, आमादा किया है, यानि दावत उन्नास, लोगों की दावत को जो है अल्लाह, यानि इला इबादत इल्लाह, अल्लाह की इबादत की तरफ, यानि इस हुकूमत को अल्लाह ताला ने आमादा कर दिया है, लोगों की दावत, लोगों को दावत दी जाए अल्लाह की तरफ। इसके लिए जी हाँ जी, मतलब इस हुकूमत को तौफीक दी है, आमादा किया है अल्लाह ताला ने ताकि लोगों को दावत दे अल्लाह की तरफ। वला गरवा, और ये कोई अजब बात नहीं है, वला गरवा ये ताज्जुब की बात नहीं। फ़य बिलादुल हरमैन शरीफ़ैन, ये हरमैन शरीफ़ैन के शहर है। अलान तवाफरत अला नशरी उलूमिल किताब व सुन्नत, ये वाफिर अंदाज में इन्होंने जो है कुरान और सुन्नत के इल्म को नशर किया, और हकीकत में बिल्कुल इनकी बड़ी खिदमात है, खुसूसन सऊदी हुकूमत की, अल्लाह जज़ा खैर दे। जामे इस्लामिया के बारे में अगर देखें तो यही काफ़ी है। मदीना यूनिवर्सिटी में जो है, खैर हमारे दौर में तो तलबा की तादाद बहुत काफ़ी कम थी, उस वक्त तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 हज़ार थे, अभी तकरीबन 30-35 हज़ार जो है तलबा पढ़ रहे हैं। जी उम्मुल कुरा अलग है, जामे इमाम जो है रियाज में, जामे इमाम ये अलग है, तो वहाँ पर भी हज़ारों के हिसाब से तलबा पढ़ रहे हैं, खुसूसन जामे इस्लामिया में बाहर के तलबा ज़्यादा है, पूरी दुनिया से तलबा वहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं।
जी अला अन तवाफरत यानी कसरत अला नशर उलूम अल किताब व सुन्ना यानी उलूम किताब और सुन्ना को वाफिर वाफिर मकदार में इन्होंने नशर किया मस्तताअत जितना इनको इस्तताअत थी व बिमा वुसअहा मिन कुदरतिन और जो उनकी कुदरत में जो वुसअत थी उसके हिसाब से इन्होंने नशर कर लिया फैलाया कुरान और सुन्नत के इल्म को पूरी दुनिया में जो है इन्होंने आम कर दिया फरफअत बिमा कामत बिही अनिन्नास जहलन कसीरा फरफअत तो इस हुकूमत ने उठा लिया बिमा कामत उस चीज से जो वो कायम हुए हैं किस चीज के लिए यानी कौन सी चीज जो है उठा लिया इस हुकूमत ने कह रहे कि लोगों से जहलन कसीरन बहुत सारी जहालत को उठा लिया तो इल्म हासिल करने का मकसद भी यही होना चाहिए रफ़ुल जहल अन नफ्सी व अन नास आखरीन यानी जहालत को अपने से जहालत को हटाना और लोगों से जहालत को हटाना ये असल इल्म जो है हासिल करने का मकसद होना चाहिए इसमें कोई शक नहीं अल्लाह की रजा को मद्देनजर रखते हुए इखलास और लिल्लाहियत के साथ वदफअत मा बिही वदफअत बिही मल किताब व सुन्नत मिन्हु बरा जी दफअत और दफा कर दिया खत्म कर दिया इसके जरिए जो कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है उन चीजों को जो है दफा खत्म कर दिया और बरात का जो है इजहार कर दिया यानी शिरक बिदात जलालत गुमराही खुराफात को जो है दफा कर दिया व मिन ज़ालिक और इसी में से और इसमें जुहूद उन यानी मेहनतें हैं काविशें हैं इस्तवत आला सूक़िहा जो अपने पाओं पे जो है वो मेहनतें खड़ी हो गई बितौजीहात इन करीमत इन यानि बेहतरीन तोजीहात के जरिए बेहतरीन इरशादात के जरिए यानि बेहतरीन अवामिर के जरिए और मशवरों के जरिए मिन लदुन वली अमर हादिल बिलाद यानि इस मुल्क के वली अमर हुकूमत की तरफ से लदुन का माना तरफ से मिन लदुन मिन का माना से लदुन का माना तरफ यानि तरफ से वली अमर की तरफ से वो हादिल बिलाद इस शहर के यानि सऊदी अरबिया के वली अमर की तरफ से उनकी तरफ से तोजीहात थे उनकी तरफ से हुक्म थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान और सुन्नत की तालीमात को आम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसी चीज़ को यानि तौहीद की तरफ लोगों को बुलाए और शिर्क और बिदात से लोगों को डराए इस चीज़ के लिए इस मेहनत के लिए खड़े हो जाए ये तौजीह की थी और ये फरमान जारी किया था तो इस फरमान की रोशनी में वफ़क़हु अल्लाहु लिकुल्ली खैर अल्लाह उनको हर खैर की तौफीक दे कान मिन अज़हरिहा इनमें से सबसे ज़्यादा वाज़ह खिदमात जो है वो क्या है मशरूअ वज़ारत शऊन इस्लामिया वल औक़ाफ़ व दावा वल इरशाद वज़ारत शऊन इस्लामिया के जो प्रोजेक्ट है मशरूअ का माना प्रोजेक्ट वल औक़ाफ़ व दावा वल इरशाद ये नाम है वज़ारत शऊन इस्लामिया वल औक़ाफ़ व दावा वल इरशाद मुमस्सिलतन तर्जमानी करते हुए फी मुजम्मा अल मलिक फहद मलिक फहद के जो मुजम्मा है ये मदीना में है मुजम्मा मलिक फहद मदीना में है और मदीना मुनव्वरा में कुरान की जो तबात होती है ये मजम्मा मलिक फहद से होती है और एक घंटे में हम गए उधर अल्हम्दुलिल्लाह एक घंटे में 300 कुरान की तबात होती है एक घंटे में जी हाँ और अब इस हिसाब से सालों के हिसाब से तकरीबन करोड़ों के हिसाब से कुरान पाक की तबात होती है और पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम किए जा रहे हैं अभी तक प्रिंट जी हाँ बिल्कुल हम छपाई यानी लिनशर कुतुबिल मुयस्सिरति यानी नशर करने के लिए आम करने के लिए फैलाने के लिए अल कुतुबिल मुयस्सिरा आसान किताबें लिउलूम शरीयति शरीयत के जो उलूम के साथ ताल्लुक है उन किताबों को जो है नशर करने के लिए वबदलिहा और उसको खर्च करने के लिए लिन्नास लोगों के लिए ऐ न वजूद जहां कहीं भी लोग पाए और जिस रंग व नस्ल से जो है लोग मिले उन लोगों पर जो है ये सारी तबातें और सारी किताबें जो है वो उन पर उनके लिए दिए जाते हैं उन पर खर्च किए जाते हैं लियतअल्लमु दीनहुम ताकि लोग सीखे अपने दीन को बिउस्लूबिन सहलिन मुयस्सरिन आसान
तरीके से, उसलूब सहल सहल भी आसान को कहते हैं, मुयसर भी आसान को कहते हैं। ये युसर से भाई नमाल उसरी युसरा, इसी से मुयसर है। फिर जऊ इल किताब व सुन्नत, कुरान और सुन्नत की रोशनी में, जऊ रोशनी को कहते हैं। वमा फकीहु, और जो समझा है, मिन हुमा इन दोनों में से, यानी कुरान और सुन्नत से जो समझा है, असलफ सालिह सलफ सालिह ने, सलफ सालिह से मुराद कौन है, सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन जी, इनके बाद ताबईन रदियल्लाहु रहिमहुमुल्लाह जी, मिन हादी उम्मत, इस उम्मत में से। इसीलिए कुरान हदीस को हमेशा समझने के लिए इस चीज़ को हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए कि हम कुरान और हदीस को समझते हैं फ़हम की, यानी सलफ की फ़हम में, सलफ सालेहीन की फ़हम में, सहाबा और ताबईन की फ़हम में कुरान और हदीस को हम समझते हैं। ये मत कहे कि हम अपनी फ़हम से जो कुरान हदीस को समझते हैं, अगर कोई ये कहे कि मैं अपनी फ़हम से कुरान हदीस को समझने की कोशिश करूँगा तो वो शख्स गुमराह हो जाता है जी, वो गुमराह हो जाता है, जिस तरह आजकल यानी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ किस्म की आरा, मुख्तलिफ किस्म की बातें, जिनकी बातें जो है दीन के मुतालिक, ये इंतहाई बड़ा फितना जो है बना हुआ है और एक जहर की तरह जो है फैली हुई है, अल्लाह ताला बचा के रखे। फनशरु अल मुजम्मा मिन हादिहि अल कुतुब अला खुत्ततिन इख्तत्तहा, किताब फनशर अल मुजम्मा, अब मुजम्मा ने जो है फैलाया, नशर किया, मिन हादिहि अल कुतुब, इन किताबों में से, अला खुत्ततिन एक तरीके से, अला खुत्ततिन एक तरीके से, इख्तत्तहा उस तरीके को अपनाया, किताब उसूल अल ईमानी फी दौ अल किताब व सुन्ना, एक किताब है जो उसूल ईमान फी दौ अल किताब व सुन्ना, और इसी तरह दूसरी किताब अज़्ज़िक्र व दुआ फी दौ अल किताब व सुन्ना, तो इन किताबों को इन्होंने नशर कर लिया मजम्मा वालों ने, और अभी इसके बाद जो है वो नशर कर रहे हैं अल-फिक्हुल मुयस्सर, आसान फिक्ह फी दौल किताब व सुन्नति, कुरान और हदीस की रोशनी में। टाइम क्या हो रहा था, टाइम ख़त्म हो चुका है तकरीबन, इसको ख़त्म करना था। यह खैर मुकदमा है, इसमें कोई वो नहीं, इतना ज़्यादा असल किताब, असल हम मौजू किताब उत्तहारा से हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अल वसाला وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين। बहरहाल किताब बहुत आसान है इंशाल्लाह, और आप इंशाल्लाह इस किताब से फ़ायदा उठाएंगे अल्लाह के फजल से, अल्लाह की तौफीक से, और जो भी समझ में ना आए वो आप इधर भी पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी भी वक्त भी पूछना चाहे तो किसी भी वक्त भी पूछ सकते हैं, इदारा वालों से नंबर ले लीजिएगा, अगर इदारा वाले हमसे कहें कि आप नंबर दे दें तो मैं नंबर दे देता हूँ, अगर इदारे वाले ख़ुद देना चाहे तो आप लोग उनसे ले लें, ताकि अगर किसी भी वक्त में कोई मसला दरपेश आ जाए या कोई इबारत समझ में ना आए तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए वॉइस मैसेज भी करें तो मैं इंशाल्लाह इसका जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह बाद में जी हाँ। वबिल्लाहि तौफीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये जो फ़िक है, अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक में मैंने तखस्सुस किया हुआ है, इसलिए भी यानी कोई परेशानी नहीं होगी अल्लाह के फजल से। मैंने मदीने में, यहाँ पहले तो इधर जामिया दारुल बल्तिस्तान में तकरीबन 9 साल मैंने पढ़ा है, इसमें मतलब जितने भी किताबें हैं बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद तिर्मिज़ी नसाई ये सब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा हुआ है, बाकी तफसीर की भी फिक्र की भी किताबें। फिर इसके बाद मदीना यूनिवर्सिटी में मैंने 7 साल पढ़ा है जी, और उसमें फ़िक्र में और उसूल फिक में वरासत में इन चीज़ों में तखस्सुस किया हुआ, और इसके साथ साथ कज़ा और फतवा में भी तखस्सुस किया हुआ, इफ्ता और कज़ा का भी जी इसमें। और इस हवाले से जो भी आप लोगों को इश्काल हो तो आप पूछ सकते हैं किसी भी वक्त भी इंशाल्लाह जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ سے یہ موقع دیا کتنے لوگوں کے دلوں میں یہ بات تھی کہ جلدی سے کلاسز ریزیوم ہوں یہی کچھ حال ہونا چاہیے طالب علم کا کہ مطلب بے قراری میں ہوں بے چینی میں ہوں کہ بس کب دنیا کی ٹینشن اور مشغولیت سے جو ہے وہ فارغ ہو کے پڑھنے پڑھانے چلے جائیں وہ ابن المبارک رحم اللہ کا قول ہے نا کہ ان سے پوچھا گیا جب وہ بڑے بیمار تھے مرض الموت میں تھے ان سے پوچھا گیا کہ ماذا ترید کیا چاہتے ہو کہا بیت خال و سند عال خالی گھر اور سند عالی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یعنی میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کم واسطے والی حدیث واسطے تنے نہ ہو ڈائریکٹلی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا قریب ہو سکوں ہو جاؤں تو یہ ایک جو ہے وہ ایک طالب علم کی خواہش ہونی چاہیے اور آن لائن اسٹوڈنٹس ہمارے ماشاءاللہ کیسے ہیں ٹھیک ہیں رمضان کیسا گزرا مسئلہ ہے ماؤس میں ٹھیک اچھا الحمدللہ اچھا گزرا جناب سیکنڈ ایئر میں ہمارا آپ سے کیا واسطہ پڑھا تھا کتاب التوحید اب ایسے نہیں کتاب التوحید نہیں پڑھی میں نے ہم نے پڑھائی ہے نا میں نے دیکھ رہے آپ کتنا مس کر رہے تھے دلائل اسلام جی ہاں دلائل اسلام پڑھا تھا دلائل اسلام ٹھیک ہے جناب تو اب جو ہے وہ انشاءاللہ قرآن ہے ظاہر سی بات ہے سب کا فیوریٹ سبجیکٹ بھی ہونا چاہیے اور میرا بھی ہے بہت ساری چیزیں ہم پڑھتے ہی اسی لیے کہ ہم قرآن کو پڑھ سکیں اصل تو یہی ہے نا اصل تو قرآن حدیث ہی ہے اصل علوم جو ہے وہ قرآن حدیث ہے باقی تو علوم عالیہ کہلاتے ہیں عالیہ اعلیٰ سے یعنی ایز اے ویپن ایز این انسٹرومنٹ استعمال ہوتے ہیں تاکہ اس کی گرپ اچھی ہو جائے دلائل اسلام 2 ہوگا نہیں دلائل اسلام 2 نہیں ہوگا انشاءاللہ اگلے سال ہوگا اور وہ ففتھ ایئر میں ہوگا دلائل اسلام انشاءاللہ ففتھ ایئر میں ہوگا آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کام و کام ہے دلائل اسلام میں جو ہے وہ بٹھا دیا تھا ہاں انشاءاللہ دیکھیں گے اس کو باقی آپ کا کیسا گزرا رمضان آپ تو اعتکاف میں بیٹھے تھے عبدالصمد بھائی ماشاءاللہ آپ کچھ جاننے کی کوشش کریں گے ہم رمضان کے حوالے سے ویسے ہی اچھا اچھا تو ان شاء اللہ تھرڈ ایئر پورا اس پہ کرنے کا ارادہ ہے ان شاء اللہ ہم جو بھی ان شاء اللہ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے اس دن ہم نے جو بات کی تھی ماشاء اللہ عبدالصمد بھائی جو ہیں وہ ہم جو ہے وہ دین پائے تھے طہٰ صاحب کی وجہ سے طہٰ صاحب اللہ وہ تو اللہ کے اس میں جی صحیح الحمدللہ آپ کا ذکر خیر چل رہا تھا شروع ہوا تھا اور آپ آ گئے آواز صحیح ہے آن لائن اسٹوڈینٹس کو آواز صحیح آ رہی ہے اب تک تو کوئی کمپلین نہیں آئی ہے ماؤس نہیں چل رہا یہ کس نے کہا بیت خالن و سند عالن یہ کس نے کہا یہ عبداللہ بن مبارک رحم اللہ بڑے محدث سے انہوں نے کہا و سند عالن
सनदुन आलिन, यानी आली सनद जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बैतुन खालिन यानी खाली घर, कोई ना हो डिस्टर्ब करने वाला, मैं और हदीस हो, बस यही बता रहा था कि एक मोमिन की टेंशन और परेशानी यही होती है कि बस कब जो है वो, कब मैं दुनिया भर की मसरूफियात से फारिग होके बस मैं कुरान हदीस पढ़ना शुरू कर दूं। इल्म की एक लज्जत है और बड़ा ही मुवफ़क है, यानी उस बंदे को अल्लाह ताला ने तौफीक दे दी है कि जिसको अल्लाह ताला ने उसमें लज्जत भी डाल दी और महबूब भी बना दिया। यानी इबादत करना एक चीज और इबादत शौक से करना एक चीज है, तो ये बड़ा मुवफ़क बंदा है। हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि ये लज्जत ईमानी और इबादत की मिठास जो है वो हमें नसीब हो। अच्छा, अब ये लज्जत ईमानी या ये इल्म सीखने में, देखें इंसान जो है ना वो जानवरों से इसी चीज में डिफ्रेंशिएट करता है अपने आप को। बाकी जितनी लज्जात है उसमें जानवर के साथ शरीक है, एक इल्म की लज्जत है जिससे वो जानवर से ऊपर है। तो ये इल्म की एक लज्जत है, इल्म में एक मिठास है और खुसूसन कुरान हदीस में अल्लाह ताला ने एक अलग ही लज्जत रखी है। लेकिन इसके साथ साथ इम्तिहान भी है, इसके साथ साथ इम्तिहान भी है। अब कभी मूड नहीं भी होता ना पढ़ने का, तो असल इम्तिहान वहां पे होता है। वैसे तो मूड होता है पढ़ने का, तो उसमें इतना इम्तिहान नहीं होता जितना इम्तिहान उस वक्त होता है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अल्लाह ताला को जो सबसे महबूब इबादत है वो क्या है, जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ हो, कान अदवमुहा, तसलसल के साथ। क्योंकि तसलसल के साथ जब इंसान इबादत करता है तो अल्लाह ताला को ये बताना चाह रहा होता है कि अल्लाह चाहे मेरा मूड हो या ना हो, चाहे मुझे लज्जत मिल रही हो ना हो, तेरे आगे मैं झुकता रहूंगा। तो ये इल्म में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तसलसल। चले जी, आते हैं हम अपने कोर्स की तरफ। कोर्स में क्या है हमारे पास, हमारे पास जो है वो सूरे नूर से सूरे फुस्सिलत तक पूरा साल है। अगरचे कोर्स ज़्यादा है तो इंशाल्लाह इसको जो है बहुत ज़्यादा तफसील में जाए बगैर तर्जुमा मनहज, कुरान को समझने की मेथडोलॉजी, उसूल, इस पर बात होगी। तालिबे इल्म के लिए यही इम्पोर्टेंट ज़्यादा होता है। आप चाहें कि मैं एक आयत से बहुत दर्स शुरू कर दूं, ऐसा ये तालिब इल्म के लिए जो है वो एक आयत से तरबियती फवायद निकाले जाएं, वो हम नहीं करेंगे। कभी कभार कर लिए तो कर लिए, ये इंशाल्लाह एक इशारा दे दिया जाएगा, उसको कहते हैं तफसीर तरबवी, तरबियती फवायद। जितने हम दर्स जरूर सुनते हैं ना उलमा से, वो यही होते हैं कि एक आया तो कोई उस पर दर्स हो गया, उस पर मोटिवेशन हो गई। लेकिन चूंकि अभी हम इल्म के मैदान में, हमें मोटिवेटेड हैं तभी तो आए हैं, और जब हम खुद इससे मोटिवेशन निकालना सीख जाएं तो फिर सच्ची बात क्या होगी। ठीक है, एक तो यह है ना कि एक आम शख्स है, वो क्या है, वो उलमा को सुनता है और दीन में उस पटरी पर रहता है, उलमा को सुनता है, पटरी पे रहता है, जुम्मे सुनता है, पटरी पे रहता है, यानी कंसिस्टेंसी के साथ दीन पर जो है वो इस्तेकामत। एक वो है कि वो डायरेक्ट कुरान से मोटिवेशन लेता है। तो इंशाल्लाह एक तालिबे इल्म जो है वो ऐसा होना चाहिए। तो लिहाजा ज्यादा जो फोकस होगा वो क्या होगा कि इसमें नहफ सर्फ के कुछ मसाइल हल कराए जाए, बलागत के अगर कहीं एस्पेक्ट्स आ जाए तो कुछ एलोक्वेंस उसको देखा जाए, और कुछ उसूल यानी कुरान को समझने का उसूल क्या है, यानी ये जो हम कुरान आयत पढ़ रहे हैं क्या ऐवे ही उठ के कोई भी माना मैं कर सकता हूँ या कुछ उसूल और जवाबत हैं। तो ये एक प्रिंसिपल बेस्ड जो है वो उसको इंशाल्लाह हम इस निगाह से हम चलेंगे। ठीक है, सही है ऐसा या नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। कभी कभार अगर हम दर्स स्टार्ट करते तो अपने लिए और आपके लिए ये भी अच्छा होता है। ठीक है, चलो मोटिवेशन इससे बरकरार रहती है, बिल्कुल ही ड्राई ना हो, बिल्कुल ही वो ना हो, इंशाल्लाह दोनों एस्पेक्ट्स को। ये कुरान ही है जो वाहिद वो कलाम है जो के एक साइमल्टेनियसली
हमने ये दलाइल इस्लाम में पढ़ा है ऑन अ साइड नोट, कुरान ही वो चीज है, कुरान की आयात ही वो आयात है कि ये मौजजा है कुरान का कि वो बैक वक्त एक ही वक्त में इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट भी एड्रेस करता है और मोटिवेशनल एस्पेक्ट यानी इमोशनल एस्पेक्ट भी एड्रेस करता है। दलाइल इस्लाम में से किसको ये बात याद है? ठीक है, यानी जब कुरान दलील देता है या किसी का रद्द करता है तो वो ड्राई दलील नहीं होती है, फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट नहीं होता, उस दलील में इमोशनल और मोटिवेशन भी होती है। ये कुरान का मौजजा है, किसी इंसान के कलाम में ये चीज पाई नहीं जाती। अगर इंसान जो भी कोई भी दलील देगा अपनी तरफ से या अपनी लॉजिक से, तो या तो वो इंटेलेक्चुअल साइड को हैवी रखेगा या फिर वो रैशनल या फिर वो इमोशनल साइड को हैवी रखेगा। इमोशनल साइड को हैवी रखने वालों में ज्यादातर पोएट्स होते हैं, शेरो शायरी या आर्ट्स में जो ज्यादा होते हैं, और रैशनल साइड पे यानी अकली साइड पे जो इंटेलेक्चुअल साइड पे जो ज्यादा फोकस करते हैं वो फिलोसोफर्स होते हैं। ठीक है, कुरान दोनों एक ही आयत में दोनों ऑडियंस को साइमल्टेनियसली एड्रेस करता है। तो लिहाजा बताना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर कुरान को हम दोनों एस्पेक्ट से पढ़ने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, ये बताना चाह रहा था। तो इंशाल्लाह आज आप लोग आए हैं, उमूमन देखने का हमें ये मिलता है, इसलिए हम पहले से ही थोड़ा सा हिला दें अपने आपको भी कि इस्तेकामत जो है, शुरू शुरू में इंसान को जोश भी होता है, जज्बा भी होता है पढ़ने आने का, पढ़ाने का, फिर बाद में उस्ताद भी थोड़ा सा जो है वो हल्का होने लगता है और तलबा भी जो है वो थोड़े से एब्सेंट होने लगते हैं। हाँ, एब्सेंट होने लगते हैं। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस्तेकामत जो है, इस्तेकामत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें जो सूरह हूद में आयत है, फस्तकिम कमा उमर था, अल्लाह ताला ने अपने नबी को हुक्म दिया फस्तकिम, इस्तेकामत पर रहो, मुस्तकीम रहो, डटे रहो, जमे रहो, कमा उमर था, जैसे कि आपको हुक्म दिया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले इल्म के नज़दीक इसी आयत को मद्देनजर रखते हुए ये फरमाते थे, शय्यबतनी हूदन व अखवातुहा, कि सूरह हूद ने और इस जैसी सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। यानी ये कंसिस्टेंसी इज नॉट एन ईजी टास्क, ये आसान चीज नहीं है। इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बूढ़ा कर दिया। हर चीज में कंसिस्टेंसी, फिक्र में, थॉट में, अमल में कंसिस्टेंसी, फिक्र में कंसिस्टेंसी। यानी आप ऐसा नहीं हो रहा कि दो साल पहले आप किस अकीदे पर थे, फिर यू आर चेंजिंग कलर्स, आप फिर दूसरे अकीदे पर शिफ्ट हो गए, फिर एक साल बाद दूसरे अकीदे पर शिफ्ट हो गए, इस बुनियाद पर कि आप रिसर्च कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। अकीदा तौहीद ही रहता है, शिर्क शिर्क ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि कल को आप जिसको तौहीद समझते थे उसको आप शिर्क समझने लग गए, और ये चेंजिंग हो रही है आपकी, ये ग्रोथ और ये लर्निंग हो रही है, ये ग्रोथ और ये लर्निंग नहीं होती। हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि अगर मफ्तून शख्स को पहचानना चाहते हो जो फितने में हो, तो ये देखो कि वो तलवन कैसा है उसका, यानी हाउ मच ही चेंजेस हिज कलर्स, यानी उसकी कलर्स की चेंज करने की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितना तेजी से वो दीन में चेंज होता है। कल म्यूजिक को हराम समझता था, आज हलाल समझ रहा है। कल तौहीद अच्छी थी, आज तौहीद में थोड़ा सा जो है वो इसकी वो आ रही है, झोल आ रहा है। ये इसको कहते हैं तलवन। ठीक है, तो बताना ये चाह रहा हूं कि फिक्र में कंसिस्टेंसी हो, थॉट में कंसिस्टेंसी हो, ये सब इल्म के जरिए आएगी। फिक्र में कंसिस्टेंसी इल्म से आएगी, अमल में कंसिस्टेंसी अमल से आएगी, दुआओं से आएगी। ठीक है, तो अमल में भी कंसिस्टेंट रहना है, इल्म में भी कंसिस्टेंट रहना है, और थॉट और फिक्र में भी कंसिस्टेंट रहना है, यानी तसलसल के साथ जो है वो उसको चलना है आगे। कोई सवाल? उमूमन जब मुझे चाय पीनी होती है तो मैं सवाल ले लेता हूँ। हाँ इंशाल्लाह, शान नुज़ूल तो तफसीर का हिस्सा है। आप कुरान की तफसीर को समझ ही नहीं सकते जब तक कि शान नुज़ूल ना पता हो। ठीक है, तो शान नुज़ूल ये तो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे शान नुज़ूल होगा। तसलसल का मतलब है कंसिस्टेंसी, इस्तिकामत।
अच्छा, मैं इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, मुझसे जो है जब भी कुरान पढ़ाते हैं ना हम, तो हर क्लास में तकरीबन ये सवाल होता है, सर आप कौन सी तफसीर से पढ़ाते हैं, पहला सवाल। दूसरा, हम कौन सी तफसीर से पढ़ें। तो ये मैं सवाल दो पहले ही एड्रेस कर देता हूँ आज, ताकि अगली क्लासेस के लिए मेरी जान छूट जाए। पहली बात, हम किस तफसीर से पढ़ाते हैं, खुसूसन मैं किस तफसीर से पढ़ाऊंगा। कोई एक तफसीर नहीं होगी, मुख्तलिफ हैं, ठीक है, और सारी अरबी में, एक उर्दू में, जिसको मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा और करता भी हूँ, और वो है तफसीरुल कुरान अल करीम शेख अब्दुस्सलाम अल शेख अब्दुस्सलाम भटवी, भटवी या भुटवी, भटवी जो भी है, मुझे उनका सरनेम सही से नहीं पता, शेख अब्दुस्सलाम भटवी, दारुल सलाम से मिल जाएंगी आपको, या दारुल उंदलुस की भी, इसका मकतब ने भी शाया किया, चार जिल्दों में, उर्दू में एक तालिब इल्म के लिए इब्तदाई हो या मुंतही हो, उर्दू में इससे बेहतर तफसीर मैंने नहीं देखी। शेख अब्दुस्सलाम भटवी, शेख अब्दुस्सलाम भटवी, इस तफसीर को लाजमन अपने मुताले में रखें। मोबाइल में एप्लीकेशंस भी हैं इसकी, एंड्रॉइड में एप्लीकेशंस भी हैं इसकी, तफसीरुल कुरान की, ठीक है। एक तो उर्दू में ये हो गई, और अहसनुल बयान जो है वो अगर कभी जल्दी में और आयत समझनी हो तो फिर वो पढ़ लें, वो इख्तसार के साथ है, लेकिन अगर वाकई मुताला करके पढ़नी है तो तफसीरुल कुरान ये शेख अब्दुस्सलाम की पढ़ लें उर्दू में। इसी तरह जो है वो अरबी में, अरबी में जो है वो अब ये मैं नहीं बता रहा कि मैं किससे पढ़ाऊंगा, उसमें तो तफसीरुल कुरान अल करीम अल अजीम तफसीर इब्ने कसीर भी आती है, ठीक है, और क्या कहते हैं शेख अल्लामा शिनकती की तफसीर भी है, अज़वाउल बयान उसमें से भी है, वो उसूली तफसीर है, उसूल को कैसे अप्लाई किया गया है वो अज़वाउल बयान में है, ठीक है। और इसी तरह मैं उमूमन ज़्यादातर जो है वो शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह और इब्न क़य्यिम उनकी किताबों में से अगर कहीं किसी आयत में कोई तफसीर की है तो वो तो इन यानी मिक्स अप होता है, ठीक है, तो कोई एक बुक नहीं है। रिकमेंड मैं क्या करूंगा, रिकमेंड मैं ये उर्दू की ये वाली तफसीर आपको करूंगा, और दूसरी तफसीर सादी, अब्दुर्रहमान इब्न नासिर अस्सादी भी कहते हैं, अस्सादी भी कहते हैं, ये मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमहुल्लाह के शेख हैं। शेख मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन का नाम कैसे सुना है, उनके शेख हैं अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी, ठीक है, ये दारुसलाम में उर्दू में मिल जाएगी जी। और जो अरबी पढ़, एक और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको बताऊं कि जो अरबी इस लेवल पे हैं कि कुछ कुछ समझ लें, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन की तफसीर अरबी में उठा के पढ़ें, मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह की तफसीर है, नेट पे आपको मिल जाएगी, मुख्तलिफ सूरतों की तफसीर है, सूरह बकरा की है, सूरह आले इमरान की है, सूरह निसा की है, वगैरह वगैरह, तो और आखिरी इसे जुज अम्मा की भी है, जुज तबारक की भी है, ये तफसीर आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह नेट पे। उनकी अरबी इंतहाई आसान है। जब मैं आपको बताता हूँ, मैंने दुरुसुल लुगा अल अरबी, आपकी कितनी मुकम्मल हो गई है, पार्ट टू हो गया है, अच्छा, दुरुसुल लुगा अल अरबी जब मैंने तीनों पार्ट्स मुकम्मल कर लिए थे तो मुझे नहीं पता था कि मुझे अरबी आती है, मैं इसको समझ सकता हूँ, बस मैंने पढ़ लिया था दूरों से लोग अरबी या तीनों वॉल्यूम्स। फिर मैंने एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मैंने मकतबा शामला से जो है वो शेख सालेह उसैमीन की तफसीर डाउनलोड की जुज अम्मा, तो अम्मा इतसालून की तफसीर पढ़ने लगा, और मैं सरप्राइज था, मैं हैरान था कि भाई मुझे तो समझ में आ रहा है यार, मुझे तो अरबी समझ में आ रही है, और मैं उस वक्त इतना खुश हुआ कि मैं बस जुनून लग गया, मैं पढ़ता रहा कि मुझे अरबी समझ में आ रही है। तो बताना मैं ये चाह रहा हूँ आपको इस एक्सपीरियंस से के आप अगर ये समझ रहे हैं कि यार मैं अरबी अभी पूरी तो पढ़ लूं फिर मैं जो है वो तफसीर पढ़ूंगा या अरबी की किताब कोई पढ़ूंगा, तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि कभी कभार इंसान जो है वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेता है, ठीक है, तो इंशाल्लाह आप जो है वो हर थोड़ी थोड़ी, अगर ऐसा है कि आप उठा रहे हैं शेख सालेह उसैमीन की तफसीर, इसीलिए मैंने कही आसान लैंग्वेज में, आसान सिंपल अरबिक में,
मजा भी आएगा आपको पढ़ने में, मुकम्मल पूरे कुरान की नहीं है। उसलूब बहुत आसान है, बहुत आसान है और बहुत अच्छी तफसीर है जी। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। नहीं नहीं फलसफियाना तफसीर में फलसफियाना कहां से होगा, लेकिन जहां पे उसूल होंगे वहां पे हम थोड़ा सा डालेंगे इंशाल्लाह। मैंने वो इसीलिए ये बात पहले से क्लियर कर दी कि एक रूहानी साइड है, एक स्पिरिचुअल साइड है और एक लॉजिकल साइड है, उस दोनों को मद्देनजर रखना जरूरी है। देखिए आप भी पढ़ रहे हैं और भी लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो ऑडियंस है वो एक तरह की ऑडियंस को कैटर नहीं करना होता, हर तरह की ऑडियंस को। इसलिए कुरान, ये कुरान है कि जिसने एक ही आयत में दोनों को कैटर कर दिया ना, हम तो मखलूक हैं, हम कभी यहाँ पे डगमगाएंगे, कभी यहाँ पे डगमगाएंगे, कभी अकली साइड थोड़ी सी हैवी होने लगेगी, आपको थोड़ा सब्जेक्ट ड्राई लगेगा, कभी थोड़ी सी स्पिरिचुअल साइड होगी, आप कहेंगे यार ये क्या जुमे का खुतबा शुरू हो गया। तो हर बंदा तो एक मखलूक से खुश नहीं हो सकता, ठीक है। अपने अपने अंदाज है सबके, सब अपने अपने अंदाज है जी, बिल्कुल ऐसा ही जनाब। तो पता नहीं ये जो चैट आपकी जो आ रही है, असल में यहाँ पे माउस काम नहीं कर रहा है, और जो भी जो है वो चैट, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रहा है, क्योंकि चैट का बॉक्स जो है वो मिनिमाइज हुआ हुआ है और माउस काम नहीं कर रहा है कि मैं उसको मैक्सिमाइज कर दूं, तो लिहाजा आपके क्वेश्चन आता है और फिर कोई दूसरा अगर लाता है क्वेश्चन तो आपका ऊपर चला जाता है। लिहाजा इंग्लिश में कौन सी तफसीर है, इंग्लिश में तफसीर सादी है, मौजूद है दारुसलाम से, आपको मिल जाएगी, और इंग्लिश में तफसीर इब्ने कसीर भी है। अच्छा एक और तफसीर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वो मैं भूल गया, मिसबाहुल मुनीर, मिसबाहुल मुनीर, ये उर्दू में भी है, 6 जिल्दों में है गालिबन, और अरबी में भी है, ये 1 जिल्द में है, असलन अरबी में है और इसकी ट्रांसलेशन उर्दू में हुई है, दोनों दारुसलाम में आपको मिल जाएगी। मिसबाहुल मुनीर असल में है क्या, मिसबाहुल मुनीर जो है वो तफसीर इब्ने कसीर का एक तहजीब शुदा वर्जन है। तहजीब शुदा मतलब ऑर्गेनाइज, और जो तफसीर इब्ने कसीर में ज़ईफ रिवायात भी हैं, मौजू रिवायात भी हैं, तो उसको हजफ कर दिया है, और सनद जो है यानी अहादीस की जो सनद है उसको भी हजफ कर दिया है, क्योंकि जो एक एवरेज स्टूडेंट ऑफ नॉलेज होता है उसको सनद वनद की इतनी खास जरूरत नहीं होती, उसको बस अल्लाह का कलाम का ये माना क्या है, और उससे मुतालिक हदीस जो है वो क्या है, और सबब नुजूल यानी शान नुजूल क्या है, ये 3 चीजें मालूम करनी होती है। एक एवरेज स्टूडेंट ऑफ नॉलेज जो है वो सबब नुजूल मालूम करता है, आयत का माना और मफहूम मालूम करता है, और क्या कहा मैंने तीसरा, बहरहाल मुझे याद नहीं मैंने क्या कहा, तो ये 3-4 चीजें जो है वो ही यही चीजें उसके मद्देनजर होती हैं। तो इसके लिए हाँ, इसके लिए बिल्कुल जो मिसबाहुल मुनीर जो है वो बिल्कुल मुनासिब है, ठीक है। सही इंटरनेशनल तो वो है, तफसीर नहीं है, तर्जुमा है। सबसे पहले जो बुक बताई उसके राइटर तफसीरुल कुरान, उसके राइटर हैं अब्दुल सलाम बटवी। हाउ इज इट, ये तो आप पढ़ के देखेंगे ना, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, उसका मतलब ये कि अच्छी है, ठीक है, अच्छी अच्छी बुक्स है। अच्छा तो समराइज कर लें, उर्दू में तफसीरुल कुरान, हाँ मैंने पढ़ी नहीं है इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर सकता। तफसीरुल कुरान उर्दू में अब्दुल सलाम बटवी की है, और उर्दू में मिसबाहुल मुनीर है, ये तफसीर इब्ने कसीर की तहजीब शुदा वर्जन है। इंग्लिश में तफसीर सादी है, और इंग्लिश में तफसीर इब्ने कसीर भी है जी। पता नहीं, बस जो मैंने बताया वो मुझे, जो मैंने मुताले किए हैं वो मुझे पता है जी। जनाब सूरह नूर पहली हमारी सूरत है जिसका हम आगाज इंशाल्लाह करेंगे। नहीं तबरी जो है वो एडवांस लेवल है। शेख एक सवाल है जी, जब हम तफसीर पढ़ रहे होते हैं या कोई भी ऐसी किताब पढ़ रहे होते हैं ना, तो बीच में एक वर्ड आता है अलिफ लाम खे, इसका मतलब क्या होता है, मतलब बहुत जगह तफसीर की किताब में अलिफ लाम की कोई किताब, जैसे तफसीर इब्ने कसीर है, इसमें भी मैंने बहुत जगह पढ़ा अलिफ लाम खे लिखा हुआ होता है, कोई भी एग्जांपल अलिफ लाम खे जी, यानी अल आखरा, यानी ये के
वो बात मुकम्मल नहीं की गई है, डॉट डॉट लगे हुए होते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि मैंने ये जो पूरी हदीस ला रहा हूँ या जो किसी का कलाम नकल कर रहा हूँ वो पूरा मैंने नकल नहीं किया है, यानी अमानत का तकाजा है। यानी अगर तुम्हें पूरा चाहिए तो जो मैंने हवाला दिया है उस तरफ देख लो, आपको पूरा कॉल या पूरी हदीस मिल जाएगी। मैंने अभी जो मेरा मकसद था हदीस का वो टुकड़ा जो है वो बयान किया है, पूरी हदीस मुकम्मल बयान नहीं की, ये मतलब होता है। और हाँ, अरबी में मैंने एक जो तफसीर रिकमेंड की वो है शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह की, तफसीरुल कुरान अल करीम के नाम से ही है। नहीं, वो मैंने रिकमेंड नहीं की है, वो मैंने ये बताया कि मैं किससे पढ़ता हूँ, क्योंकि लोगों को ये भी टेंशन होती है कि आप किससे पढ़ते हैं, और ये भी अच्छी चीज है पता करना चाहिए कि भाई उस्ताद ने किससे पढ़ा है। सम्मूलना रजालकुम, इब्ने सीरीन कहते हैं कि साहबा एक दूसरे से सनद नहीं पूछते थे, लेकिन जब फितना हुआ, फितना यानी लोग फितने का जमाना आ गया, लोग झूठी हदीसें गढ़ने लगे, तो हमने जो है वो एक दूसरे से पूछने लगे, सम्मूलना रजालकुम, कि तुम अपने रिजाल यानी तुम अपने टीचर्स अपने असातिज़ा बताओ जरा, अपनी सनद पेश करो। सूरह नूर जो है वो सूरह मोमिनून के बाद है। सूरह नूर का जो क्रक्स है, जो मकसद है, वो ये है कि ईमान के तकाजे, यानी अगर वाकई तुम अपने आप को मोमिन तसव्वुर करते हो तो ये तकाजे हैं, यानी चेक एंड बैलेंस है सूरह नूर। सूरह नूर क्या है? ईमान का चेक एंड बैलेंस। इसमें बहुत दफा तकरीबन 20 से ऊपर मर्तबा ईमान का लफ्ज आ मनु अल्लज़ीना आ या अय्युहल्लज़ीना आ मनु इन कुंतुम मुमिनीन ये मादा जिक्र है। इसका मतलब यह है कि अगर तुम वाकई मोमिन हो तो फिर ये तकाजे हैं, ठीक है। इसमें हिजाब के मसाइल हैं, इसमें इस्तेज़ान के मसाइल हैं, इसमें जो है वो जानी मर्द और औरत के उसके जो अहकाम हैं वो मसाइल हैं। तो ये यानी ये ईमान के तकाजे हैं। लिहाजा जो लोग ऐसा कहते हैं कि ईमान हा होना, ईमान यहाँ होता है, तो हम उनको सूरह नूर की तफसीर पढ़ाने बैठ जाएं कि भाई अगर ईमान होता तो तकाजा तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि तकाजा तो ये है अगर तुम वाकई मोमिन हो। यानी ईमान दिल में नहीं होता, ईमान दिल में भी होता है, जबान में भी होता है और अमाल में भी होता है, ठीक है। तो ईमान क्या है? अल-कौल वल अमल वल निया वल इरादा, तीन चीजें मिलकर ईमान बनती है, ठीक है। ईमान सिर्फ दिल में नहीं। तो ये बता रहा था कि सूरह मोमिनून के बाद है। सूरह मोमिनून में जो है वो मोमिनों का जिक्र है कि मोमिन कौन है? قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, ये मोमिन है। अब मोमिन होने, जब तुम मोमिन समझते हो अपने आप को, तो ये तकाजे हैं सूरह नूर में। और फिर जब ये तकाजे पूरे कर लोगे तो अल्लाह नूर السماوات والارض مثل نوره كمشكاة, अल्लाह का नूर तुम्हें हासिल हो जाएगा। بسم الله الرحمن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون سورة اي هذه سورة مبتدا محذوف ہے یعنی یہ سورت ہے ٹھیک ہے سورة اي هذه سورة اي کا مطلب کیا ہوتا ہے سنائیے بات اي کا مطلب اعنی یعنی आनी यानी मेरी मुराद जो हम उर्दू में कहते हैं ना बार उर्दू जबान में मैं ये कह रहा था मतलब मैं ये कह रहा था यानी मतलब यानी मतलब यानी इसको कहते हैं हर्फ तफसीर यानी ये कलमा तफसीरिया है यानी मैं जो बात कर रहा हूँ यानी मेरी मुराद ये तो अरबी में भी यानी कहते हैं ठीक है यानी या आइन नून या अना यानी से है अना यानी अना का मतलब है उसकी वो मुराद उसकी मुराद ठीक है यानी मुदारे हाँ तो यानी आप
अरबी किताब में अक्सर देखेंगे, हाज़ा क़ौलू, यानी ये फलां का कॉल है, यानी उस कॉल का मतलब ये, यानी का मतलब मुराद ये है, तफसीर ये है, एक्सप्लेनेशन ये है, ठीक है। तो सूरतुन आई हाज़ी सूरतुन, यानी आई का मतलब सूरतुन, यानी इसका मतलब आई, यानी हाज़ी सूरतुन, ठीक है, मुब्तदा महज़ूफ है, यानी ये सूरत है, सूरतुन यानी ये सूरत है। सूरतुन जो है ये तनवीन जब आती है ना किसी उस पे, तो बहरहाल ये बलागत के कवायद हैं, जो बिल्कुल सिंपल बलागत के कवायद होंगे ना, मैं आपके सामने वो जिक्र करूँ। सूरत तनवीन जब किसी पे आती है तो ये उसकी अजमत पर दलालत करती है, ये उसकी अजमत पर दलालत करती है। तो क्या मतलब होगा, ये बड़ी सूरत है, ये अजीम सूरत है। अनजलना, अच्छा अजीम क्यों है, बड़ी क्यों है, इसकी अजमत इतनी ज्यादा क्यों है। अनजलना, क्योंकि हमने इसको, अनजलना हमने इसको नाजिल किया है। नाजिल नुजूल कहां से होता है, ऊपर से नीचे। ये दलील है कि अल्लाह ताला रहमान अलल अर्श सवा, व फरदना और हमने इसको फर्ज किया। हा, ये हा की जमीर कहां जा रही है, सूरतुन। व अनजलना, अच्छा ये अल्लाह ताला तो एक है, ये सीगा जमा का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। अनजल ना होना यूं चाहिए था, अनजल तू, सूरतुन अनजल तुहा, लेकिन क्या है, अनजल ना हा जमा का है ना, जमा शान और बुलंदी के लिए, ताजीम और अजमत के लिए। अल्लाह तो एक है। क्रिश्चियन जो है वो कहते हैं, देखो हमारा जो ट्रिनिटी का अकीदा है ना, तसलीस का अकीदा है, तसलीस वो सही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हारे कुरान में भी नहनू अनजलना जमा की सीगे से खिताब किया है। इंतहाई स्टूपिड सी आर्ग्यूमेंट है, लेकिन बहरहाल हम उसको एड्रेस कर लेते हैं। जी, ताजीम के लिए, जैसे कि हमारी पुरानी उर्दू अदब में ये इस्तेमाल होता था कि हम आपसे कह रहे हैं जनाब, हम आपसे कह रहे हैं, ताजीम के लिए लोग जमा का सीगा इस्तेमाल करते थे। आजकल ये नहीं होता, आजकल ये जो है वो हम ये कोई हैदराबादी उर्दू स्पीकिंग बोलता होगा तो बोलता होगा, लखनऊ वाले बोलते हैं तो वो बोल, लेकिन आजकल जो है वो हमारे यहाँ नहीं चलती। कराची में तो खुसूसन बदतमीजी है ना, बदतमीजी वाली उर्दू जुबान है। हाँ, तो यहाँ पे तो ऐसी नहीं चलती। बहरहाल, तो ये जमा का सीगा ताजीम के लिए है, ठीक है। और कहीं वाहिद का भी सीगा आता है तो किस बात पर दलालत करता है, तौहीद पर, कि अल्लाह एक है। तो जहां वाहिद का सीगा अल्लाह के लिए, वो तौहीद पर दलालत करता है, और जहां जमा का है वो ताजीम पर दलालत करता है। अब चूंकि ये सूरत बड़ी अजीम है और इसमें अल्लाह ताला के बड़े अहकामात मौजूद हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी ताजीम कराई कि कोई आम सी सूरत नहीं है, और इसमें कोई अहकामात कोई आम से नहीं है कि बस पर्दा किया ना किया सही, और घर में इजाजत ली ना ली कोई मसला नहीं। ये कोई हल्के अहकामात नहीं है, बल्कि बड़े अहकामात हैं, क्योंकि ये हमने दिए हैं, हमने नाजिल किए हैं, हमने फर्ज किए। फीहा, इसमें, सूरतुन अनजलनाहा व फरदनाहा व अनजलना फीहा, और हमने नाजिल किया है इसमें आयातिन आयात, बय्यनातिन बय्यनात वाज़े। अभी आयात जो है इसके नीचे दो ज़ेर आ रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, एराबी हालत क्या है इसकी, मरफू मजरूर या मनसूब, ये मजरूर है, ठीक है, आयात मजरूर है, ये कलिमा मजरूर है। जमा मोहन्नस सालिम का आपने एराब पढ़े, जमा मोहन्नस सालिम रफ़ी, हाँ जी जी जी, आप, हाँ आप थोड़ा सा ना अरबी में माशाल्लाह अच्छे हैं, तो आप थोड़ा सा रुक के जवाब देंगे, ठीक है, हम आपको पढ़ा चुके हैं इसलिए हमें पता है। हाँ अच्छा, ये वही तो मैं आपसे पूछ रहा था, देखें आप इनको, ये आयात जो है ये क्या है, मंसूब है, मजरूर है या मरफू है, मंसूब क्यों है, क्योंकि जमा मोहन्नस सालिम, जमा मोहन्नस सालिम जो है आयतुन आयातुन, ठीक है, जमा मोहन्नस सालिम रफ़ी हालत में जम्मा के साथ आता है, नस्बी हालत में कसरा के साथ आता है, और जर्री हालत में भी कसरा के साथ आता है।
ये आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी हुई है ना? हाँ अच्छा, नहव में रिकॉल हो अच्छा हाँ, तो ये तो हम अभी तक रिवाइज करते रहते हैं। ये कवायद ही इतने होते हैं कि हम पढ़ाते हैं तो भी रिवाइज करते रहते हैं। तो सबसे बेहतर अरबी सीखने का तरीका पता है क्या है? पढ़ाएं तभी याद होंगी, वरना ये याद वाद नहीं होती। हम जैसे जहनों में जो है ना ये चीजें बैठती नहीं है, कवायद ववायद पढ़ाए, किसी को भी पकड़ के पढ़ा लें। मुझे याद है जब मैं जब दुरुस्तुल लुगा अल अरबिया पढ़ा था तो मैंने मुश्किल तरीन स्टूडेंट को पढ़ाया था और वो थी मेरी वालदा। मुश्किल तरीन इसलिए कि वो उनकी एज भी है, ठीक है, एज भी एक बड़ी है, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, उनकी एज भी बड़ी है। और जाहिर सी बात है बड़ी एज में नहफ सर्फ पढ़ाना थोड़ा सा नहीं ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो कोई मुश्किल स्टूडेंट ढूंढे जिसको आपको तरीके से, मतलब आपको पता चल जाए कि पढ़ाना क्या होता है। आयातिन मौसूफ बय्यनातिन सिफत, ठीक है, मौसूफ सिफत चूंकि एराब में एक दूसरे के मुआफिक होते हैं इसलिए बय्यनात भी मंसूब है, लेकिन बय्यनात भी चूंकि जमा मुअन्नस सालिम है इसलिए नस्बी हालत में ये जर आता है, ठीक है, नस्बी हालत में कसरा आता है, जर नहीं, जर एराबी रफा नसब जर ये एराबी हालत है, ठीक है, और कसरा फतह जम्मा ये हरकतें हरकात। आप कहेंगे नाव सर्फ की क्लास शुरू हो गई, सिर्फ अभी के लिए थोड़ा बहुत कर रहा हूं, बाकी इतना नहीं होगा इंशाल्लाह। लाल लकुम तदक करूं ताकि कि तुम नसीहत हासिल करो, लाल लकुम तदक करून ताकि तुम नसीहत हासिल करो। इसका मतलब ये हुआ कि लोग कहते ना यार थोड़ा सा तजकिया करो हमारा, थोड़ा सा तजकिया करो, तुम क्या जो है वो डायरी रखना और नमाज पढ़ना और ये सारी बातें करते हो, ये फिक्ह में क्यों पढ़े हो, फिक्ह नहीं, थोड़ा सा तजकिया वाली बातें करो, ठीक है। तो इन अहकाम से भी तजकिया होता है, बताना ही चाह रहा हूँ, तरीका अलग होता है। अल्लाह ताला ने सूरह तलाक में तकवे का पता है कितनी दफा जिक्र किया है, सूरह तलाक में, सूरह तलाक एक तो उसमें अहकाम है ना, फिक्ह है, तलाक के बारे में अहकाम है, और दूसरा इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, और वहां पे अल्लाह ताला ने अपना तजकिया करने का हुक्म दिया है। तकवा, तकवे के अल्फाज बहुत ज्यादा हैं उसमें, तकवे के फवायद भी इस सूरह तलाक में। बताना ये चाह रहा हूं कि फिक्ह से भी तजकिया होता है अगर इंसान की नीयत दुरुस्त हो, इंसान की नीयत दुरुस्त हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इसमें अहकाम नाजिल किए और इसमें वाज़ह निशानियां की नाजिल फरमाई ताकि कि तुम तज़क्कुर, ताकि तुम्हारा एक रिमाइंडर हो, याद दहानी हो, नसीहत हो, तुम हिल जाओ, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन पैदा हो। सवाल है यहां तो कोई? तज़किया मतलब प्योरीफाई करना, जी हाँ। बहुत से लोग कहते हैं कि जी आप अकीदा तौहीद पढ़ा रहे हैं या अकीदा पढ़ा रहे हैं, यार तज़किये की स्पिरिचुअलिटी पढ़ाएं। यानी लोग ये पता नहीं कैसे फर्क कर लेते हैं कि उनको अकीदा स्पिरिचुअलिटी नहीं लगता, हालांकि तौहीद से बढ़कर कोई तज़किया ही नहीं है, तौहीद से बढ़कर कोई तज़किया ही नहीं, कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है। जी सवाल है कोई? अज़ानियत वज़ानी, जना करने वाली मर्द, जना करने वाली औरत, वज़ानी और जना करने वाला मर्द, फजलिदू बस कोड़े लगाओ, कुल्ल वाहिद मिन्हुमा इनमें से हर एक को, इन दोनों में से, में अता जल्दा 100 कोड़े, वला तअखुज़कुम बिहिमा
और ना पकड़े तुम्हें, तर्जुमा में जो मैं तरीका फॉलो करूंगा वो लिटरल होगा, लफ्जी, ठीक है, मफहूम फिर बाद में समझा दूंगा, लेकिन लिटरल होगा ताकि आपको एक एक लफ्ज का एक अरबी से आप रिलेट कर सकें उसको। वला तखुज़कुम, और ना तुम्हें पकड़े, बिहिमा, उन दोनों के बारे में, रअफतुन, कोई तरस, कोई नरमी, तखुज़कुम, तखुज़ ये फेल है, कुम इसका मफूल है, ठीक है, ना पकड़े तुम्हें, अच्छा फेल का फाइल भी होगा, वो क्या है, ना पकड़े तुम्हें, क्या चीज पकड़े वो फाइल होगा जी, राफतुन, जी राफतुन, राफतुन जो है वो फाइल है, इसलिए फाइल क्या होता है, एराबी हालत क्या होती है फाइल की, मरफू, तो ये मरफू है, ठीक है, और ये कुम जो है वो जमीर मंसूब मुत्तसिल, कुम क्या है, मफूल भी, कुम मफूल भी। वला ताखुज़कुम बिहिमा रअफतुन फी दीनिल्लाह, ना तुम्हें पकड़े इन दोनों के बारे में, किन दोनों के बारे में, हुमा की जमीर कहाँ जा रही है, अज़ानियतु वज़ानी, जी फी दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन में, इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम वाकई तुमिनूना, आ गया ये ईमान का तकाजा, अगर तुम वाकई ईमान रखते हो तो ये तकाजा है, और तकाजा क्या है कि अल्लाह की हुदूद में कोई, अल्लाह की हुदूद में कोई नरमी ना हो, जी इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम वाकई अल्लाह पर ईमान रखते हो और यौम आखिरत पर, यौम आखिर को आखिरत, यौम आखिर को आखिर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आखिर में आएगा। वलयशहद अज़ाबहुम ताइफतुन मिनल मुमिनीन, और हाजिर हो, लाजिम है कि हाजिर हो, कौन हाजिर हो, ताइफतुन, ये फाइल है इसका, जो कि अज़ाबहुमा के बाद आ रहा है, अज़ाबहुमा मफूल भी है, मफूल भी मुकदम है, फाइल मौखर है। वलयशहद अज़ाबहुमा, और हाजिर हो अज़ाबहुमा उनके अज़ाब पर, ताइफतुन एक ग्रोह, मिनल मुमिनीन मुमिनीन में से, मिनल मुमिनीन मुमिनीन में से, इस मिन को कहते हैं मिन बयानिया, क्योंकि ये ताइफा का बयान कर रहा है कि कौन सा ताइफा, बता दिया मिन के जरिए कि मिनल मुमिनीन, यानी मुमिनीन वाला ताइफा, मुमिनीन का ग्रोह, इसको मिन बयानिया कहते हैं, ठीक है, मिन बयानिया। अज़ानिया तो अज़ानी, अज़ानिया पहले क्यों लाया, फीमेल पहले क्यों आई, मेल बाद में क्यों आया, बाय डिफॉल्ट जो है वो उमूमन डिफॉल्ट मेल पहले आता है फिर फीमेल आती है उमूमन कलाम में, ठीक है, इसी तरह डिफॉल्ट ये भी है कि मेल को सिर्फ जिक्र किया जाता है और फीमेल उसमें शामिल होती है, तो चूंकि यहाँ पे जो माइल करने वाली होती है ज्यादातर औरतों की तरफ से होता है, ठीक है, यानी पहला जो स्टेप होता है वो औरत की तरफ से होता है और दूसरा जो स्टेप होता है वो मर्द की तरफ से होता है, लेकिन बहरहाल गुनाह में दोनों शरीक हैं, दोनों को ही 100 कोड़े लगाए जाएंगे और 1 साल के लिए जलावतन किया जाएगा। फजलिदू कुल्ल वाहिद मिनहुमा, तो जानी मर्द और औरत उन दोनों को फजलिदू, ये जिल्द है, जिल्द से, जिल्द किसको कहते हैं, खाल को, स्किन, ठीक है, इसमें ये इशारा है कि कोई ऐसे कोड़े नहीं लगाने कि जिससे गोश वोश फट जाए, सिर्फ जिल्द पर निशान पड़े, तेजी से कोड़े बरसा बरसा कर ऐसे नहीं मारने, बस सिर्फ जिल्द पर निशान लगे वैसे हो, और इसमें ये भी इशारा है कि यानी अब ये देखे तरीका इस्तदलाल बता रहा हूँ, उलमा कैसे इस्तदलाल करते हैं, फजलिदू, अब ये फजलिदू के रूट वर्ड से है, अब जिल्द स्किन को भी कहते हैं, और इससे दूसरा इस्तदलाल ये भी निकलता है कि यानी वो जो कोड़ा हो वो चमड़े का हो, ठीक है, ऐसा ना आप झाड़ू का कोड़ा लेके मैंने कोड़ा मार दिया, नहीं तो हल्का हो जाएगा,
या जो है वो बहुत हैवी कोई चीज हो, चमड़े से मेरे जहन में नहीं है, लोहे का तो कोड़ा होता नहीं है, तो हाँ पाइप वायर हो सकता है। मकसद ये है कि इतना हल्का ना हो, इतना हैवी भी ना हो, मीडियम हो, ऐसा ना हो कि बंदा ही मर जाए, बंदा ही मर जाए। अगर बंदे के मरने को खौफ हो तो ये हद नहीं कायम की जाएगी। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स था और वो थोड़ा सा कमजोर था और जिना करते हुए पकड़ा गया, यानी लोगों ने देख लिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो है उनका किस्सा लाया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 कोड़े लगाओ और जलावतन करो 1 साल के लिए। अच्छा पहले ये बता दूं कि जिना की सजा, जिना की हद गैर शादी शुदा के लिए क्या है, 100 कोड़े और जलावतनी, ठीक है, एग्जाइल कर देना उसको अपने मुल्क से। इससे ही पता चला कि हमें गुनाहों की सरजमीन, जहां पे हम गुनाह किया करते थे, चाहे जो भी गुनाह हो, जिना नहीं हो, जो भी गुनाह हो, उससे दूर रहना चाहिए। बहुत से लोग जो गुनाह छोड़ने के बाद दोबारा से गुनाह में आते ना, इसकी बहुत सारी वजह यही होती है कि या तो वो उन दोस्तों में उठ बैठ जाते हैं वापस से, या फिर वो उस जगह चले जाते हैं और उनको वो गुनाह याद आ जाता है और फिर वो करने लगते हैं, ठीक है। जैसे कि वो बनी इसराइल 100 कातिल वाले, उसमें भी है कि तुम यहाँ से जो है वो चले जाओ, ठीक है, हदीस ज़हन में है ना कि उसको आलिम ने फरमाया था कि अगर तुम तौबा करते हो तो जमीन को छोड़ दो। बहरहाल कहाँ पे थे, कहाँ से कहाँ निकली बात, हाँ गैर शादीशुदा की सजा जो है वो 100 कोड़े और तकरीबुल आम, तकरीबुल आम यानी जलावतनी 1 साल के लिए, और जो शादीशुदा है उसके लिए सजा जो है वो क्या है, 100 कोड़े और रजम, 100 कोड़े और रजम, ये हदीस में वाज़े तौर पर मौजूद है ये दोनों हुदूद। और जो गुलाम है यानी जो लौंडी और गुलाम है उनके लिए सजा आधी है, तो लिहाजा आधी सजा अगर इसकी करें गैर शादीशुदा की, तो अगर गैर शादीशुदा गुलाम और लौंडी है तो उसकी सजा क्या होगी, 50 कोड़े, और अगर शादीशुदा है तो क्या होगी, आधी मौत तो होती नहीं है, तो लिहाजा 50 कोड़े ही रहेगी, सही है, ये इसकी थोड़ी सी फिक्र थी। देखना पड़ेगा अल्लाह वाला, ये मैं देख, जिलावतनी की हदीस दलील हदीस में आती जी, शादीशुदा गुलाम हो तो 50 कोड़े, उसको आधा रजम नहीं हो सकता ना, आधा रजम कैसे करेंगे। हाँ हाँ दो सजाएं, हदीस है ना कि हदीस है सही मुस्लिम की है कि वसई विसईबी जल्दु में अतिन वर रजम, के सैयब जो है यानी सैयब कौन होता है, शादीशुदा, सैयब की जो वो हद है जल्दु में अतिन 100 कोड़े हैं वर रजम, और रजम है, ये सही मुस्लिम की हदीस है बाबुल हुदूद, ठीक है, किताबुल हुदूद में। तो ये जो शादीशुदा उसमें 100 कोड़े लगाए जाएंगे फिर रजम किया जाएगा। तो इससे पहले मैं एक पॉइंट बता रहा था, वो याद है किसी को, जिससे ये बात निकली थी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, शेख आपने जिल्द के बारे में कहा था फजलिदु,
Yeah.